हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है अगर आप गूगल ऐट्स के थ्रू अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हो या फिर आप फिलेट मार्केटिंग कर रहे हो और आपको बेसिकली uh, अपनी यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करना है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि ये टॉपिक्स हैं जो मैं आज कवर करूँगा सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि गूगल ऐप्स पर साइनअप कैसे करते हैं कीवर्ड प्लानर को कैसे यूज़ करते हैं और कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू कैंपेन क्रिएट करेंगे और आपको मैं टिप्स बताऊंगा कि किस तरह की वीडियोस जो हैं वो बेटर कन्वर्ट करती हैं और दूसरी उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अफिलेट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग यूट्यूब के थ्रू और कैंपेन स्टार्ट करने के बाद उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं कैसे अपना जो क्लिक थ्रू रेट है या फिर अपनी कॉस्ट जो है उसको मिनिमम रख के अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ सकते हैं और उसके बाद कुछ जर्नल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं सो so, अगर आप बिगिनर हो या फिर आप एडवांस यूज़र हो तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं ऐसी बहुत सारी फ्री की वीडियोज़ आपके लिए क्रिएट करूँगा ताकि आप अपनी अफिलेट जर्निंग स्टार्ट कर सकें और अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग कर सकें सो so, वीडियो को शुरू करते हैं सो so, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि गूगल Ads होती क्या हैं सर so, दोस्तों जैसा कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आप कोई क्वेरी uh, को सर्च करते हो और किसी वेबसाइट पे जाते हो आपको बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की यू नो एड्स आती हैं जिनपे आप क्लिक करके अमेजन पे जाते हो या फिर uh, किसी न किसी सेपरेट वेबसाइट के ऊपर जाते हो ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हो और अपने प्रोडक्ट्स को बाय करते हो सो so, इसी तरह से ये प्लेटफॉर्म गूगल uh, की तरफ से आया है जहाँ पर आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स को भी प्रोमोट कर सकते हो आप अपना यूट्यूब चैनल अगर आपका है तो आप अपनी वीडियोज़ को प्रोमोट कर सकते हो या फिर आप अफिलेट मार्केटिंग कर रहे हो तो आप अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट आई मीन एंगल से प्रमोट कर सकते हो यहाँ पर सो so, सबसे पहले अगर आप अपना गूगल एड्स uh, का अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो आपको सबसे पहले करना क्या है गूगल पे जाना है और ऐड्स डॉट गूगल सर्च करना है सो so, आप देख रहे हो यहाँ यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए हैं तो हम लोग यहाँ पे एड्स डॉट गूगल डॉट कॉम सर्च करेंगे और यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे सर so, दोस्तों गूगल क्या है कि जब आप अपना फ्रेश अकाउंट बनाते हो तो आपको कई बार वो बहुत सारे कूपन दे देता है जो कि आपकी बहुत हेल्प करते हैं कि अगर आप जैसे मान लीजिए स्टार्ट कर रहे हो और आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो ये आपके पैसे भी बचा देता है स्टार्टिंग में और आपको अच्छी खासी टेस्ट एंड ट्राई वो क्या कहते हैं टेक्निक्स को टेस्ट करने के लिए एक बजट भी मिल जाता है तो यूजली जो गूगल आपको बजट देता है वो होता है कूपन देता है वो है दो का सो अब मैं आपको वो भी बताऊँगा कि आपको कैसे वो कूपन लेना है और आप किस तरह से उसको आप मैक्स टू तो मैक्स बेनिफिट ले सकते हो अगर आपने आ, कभी अकाउंट नहीं बनाया है तो ये यूजली फर्स्ट क्रिएटर्स को ही मिलता है अगर आप दोबारा से बना रहे हो अगर आपके ब्राउजर में कुक, आ, कुकी सेव्ड हैं तो आपको ये अकाउंट बिल्कुल आ, मतलब जो कूपन है वो मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सो so, सबसे पहले आपको करना क्या है कि एड्स डॉट गूगल डॉट कॉम पर जाना है और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है सो so, जो साइन अप का प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल रहेगा उसमें आपको कुछ नया नहीं करना होता है आपको बेसिकली अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी डिटेल्स डालनी है और वो कुछ बेसिक चीज़ें पूछेगा आपका पैन कार्ड आपकी बेसिक uh, आइडेंटिटी के लिए चीज़ें पूछेगा जो कि आपको बेसिकली वेरीफाई करनी है तो ये मैं इन डेप्थ अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा uh, क्योंकि यूजली uh, जो साइन अप की प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है लेकिन अगर आपको कुछ और इशू आता है अगर आप कुछ ऐसी दिक्कतों में फंस जाते हो जहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में सो so, uh, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, सो so, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है और आपको कोई इशू नहीं आया है तो आपको सिंपली करना क्या है uh, आपको अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाना है सो so, ये जो डैशबोर्ड है आपको एडवांस वाला ही सिलेक्ट करना है सो so, दोस्तों सबसे पहले गूगल ऐप शुरू करने से पहले हमारे पास एक अफिलेट प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है सो so, अगर आपको अफिलेट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है या फिर आप बिगिनर हो तो हमारे पास दो प्लेटफॉर्म्स बहुत ही फेमस हैं एक है डिजी स्टोर ट्वेंटी फोर और दूसरा है क्लिक बैंक सो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दोनों पर साइनअप करना सिखाऊंगा और कैसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं किस तरह से बेस्ट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं और उसके क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे सो so, अगर आप चाहो तो डी जी स्टोर ट्वेंटी फ़ोर पर आप सीधा अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो यहाँ पे आपको एज एन अफिलियट रजिस्टर करना है अपनी डिटेल्स डालनी है अपना टाइम जोन बेसिक इन्फॉमेसन है जो कि आपको वेरीफाई करनी है ताकि आपको प्रोडक्ट्स मिल सकें सो so, जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपको सबसे पहले करना क्या है अकाउंट में लॉग करके अपने डैशबोर्ड में आना है सो so, यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिनको कि आप प्रमोट कर सकते हो यूजुअली डिजी स्टोर ट्वेंटी फोर पे मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आ, आ, आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन इनके पास और भी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर मेक मनी ऑनलाइन से भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी निच के अकॉर्डिंग सो आपको यहाँ पर करना क्या है कि मार्केट प्लेस पर जाना है और ऑल ऑफर्स पे सिलेक्ट करना है सो so, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मिट्टी कोर एक प्रो, प्रोडक्ट है और हमारे पास आ, जीनी स्क्रिप्ट है हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि आप प्रोमोट कर सकते हो लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि हमारे पास क्राइटेरिया जो है अगर आप क्लिक बैंक की बात करते हो तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और अगर आप डिजी स्टोर ट्वेंटी फोर पर आते हो तो थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है सो so, यहाँ पे अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट देखता हूँ तो जैसे कि अगर हम लोग हेल्थ और फिटनेस में चले जाएँ तो हमारे पास एक बार हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास अलग अलग जो हैं पैरामीटर्स हैं जिनको कि आप सिलेक्ट करके अपने एंड पे चीज़ों को देख सकते हो सो so यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ देखता हूँ मैं वो है कार्ट कन्वर्जन कितने परसेंट में ये प्रोडक्ट आपको कन्वर्जन दे रहा है ठीक है और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैंसिलेशन रेट सो कैंसिलेशन रेट एक ऐसा पैरामीटर है जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मान लीजिए अगर आपको कोई प्रोडक्ट है अच्छा खासा आपको कमीशन दे रहा है मान लीजिए हंड्रेड प्लस है या कुछ ऐसा भी है तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्रोडक्ट का कैंसिलेशन रेट ज़्यादा है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि आप गूगल ऐड पे अच्छा खासा पैसा लगा के उसको प्रमोट करोगे और मान लीजिए थोड़े टाइम के बाद कोई इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है अगर रिटर्न रेट हाई है तो उस केस में आप अर्निंग नहीं करोगे आप हमेशा नेगेटिव में जाओगे सो so, दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा देखता हूँ कि जो मेरे को कमीशन मिलता है सो so, जो अगर आप मान लीजिए स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फिफ्टी डॉलर से ऊपर या फिर थर्टी प्लस ही समझ लीजिए ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो कि थर्टी प्लस हो और हंड्रेड से नीचे नीचे हो क्योंकि ये वाला जो मार्केट रेंज है यहाँ पे आप प्रोडक्ट को आराम से यू नो सेल कर सकते हो uh, अगर आप बिगिनर हो लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ऑब्वियसली आप 100 प्लस प्रोडक्ट्स के मतलब uh, प्राइस वाले रेंज भी जा सकते हो क्योंकि आपको ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से आती होगी सर so जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कीटो की अच्छा एक प्रोडक्ट uh, है जो कि कन्वर्ट हो रहा है और कैंसिलेशन रेट बहुत ही मिनिमल है और अर्निंग आपकी जो कमीशन है वो फोर डॉलर है अगर आपके पास चीप मान लीजिए क्लिक्स आ जाते हैं या फिर आपके पास सोशल मीडिया का ट्रैफिक है या फिर आप यू नो प्रिंटर से ट्रैफिक ले आते हो अपने ब्लॉ उसके ऊपर रिव्यू के ऊपर तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो और ये आ, बहुत ही कन्वर्टिंग हो जाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा प्राइस रेंज नहीं है और लोगों को यहाँ पे कन्वर्जन अच्छी मिल जाती है क्योंकि जो भी यूज़र है वो इसको खरीद लेगा आराम से क्योंकि चार डॉलर इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है और लोगों को इतनी दिक्कत नहीं आती सो so, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जो मेन चीज़ें देखते हैं इसके अलावा जो आपको देखना होता है वो है आपका सेल्स पेज और अफिलेट सपोर्ट पेज सो एफ़िलट सपोर्ट पेज पे आपको बेसिकली जो भी चीज़ें मिलेंगी ये आप यूज़ कर सकते हो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपको हमेशा अफिलट सेल्स पेज देखना है और यू नो प्रमोशन पेज भी देखना है क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप अगर पेड एड्स रन कर रहे हो तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होती है क्योंकि जो भी प्रोडक्ट का वेंडर होता है उसने ट्रैफिक uh, को टेस्ट किया होता है उनके पास स्टैट्स होते हैं कि कौन सी ट्रैफिक किस तरह की ऑडियंस किस तरह की जो यू uh, नो you know, uh, uh, रीज़न है वहाँ पे ये प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे अच्छा खासा हमारे पास दिखा रहा है कि सेवेंटी प्लस डॉलर की पर सेल होती है कमीशन आपको अच्छा मिल रहा है और पर डॉलर जो आपकी पर क्लिक की कन्वर्जन है वो बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं अगर आप मान लीजिए ई मेल मार्केटिंग करते हो या फिर आप बैनर्स यू नो आपकी अगर, अगर अफिलेड वेबसाइट है आप बैनर्स रन करना चाहते हो या फिर आप फेसबुक एड्स के थ्रू इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देता है तो आपको लैंडिंग पेज जो बहुत सारी चीज़ें हैंड कॉपीज़ भी मिल रही हैं यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे क्योंकि आपको अगर मान लीजिए अच्छी सक्सेस चाहिए तो आपको हाई कन्वर्टिंग पेजेस डिज़ाइन करने पड़ेंगे हार्ड कॉपीज़ बनानी पड़ेंगी अगर आप फेसबुक से प्रमोट करते हो अगर आप गूगल से प्रमोट करते हो तो आपको एक लैंडिंग पेज होना बहुत ज़रूरी है बिना लैंडिंग पेज के अगर आप यू नो डायरेक्ट ट्रैफिक भेजोगे तो ना तो आपके पास ई आएगा जो यूज़र है और ना ही आपका जो है ऐड और बेसिकली आपका एड जो है वो डिसअप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका एड अकाउंट बैन होने के चांस बढ़ जाते हैं सो so ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है और आपको लैंडिंग पेज जनरेट करने हैं अपने एंड पे राइट सो so, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास इमेज लाइब्रेरी है हार्ड कॉपीज मिल रही है डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं और ये यूजुअली आप अगर इस प्रोडक्ट को देखो तो ये फेसबुक पे ज्यादा बेटर कन्वर्ट हो रहा है गूगल से गूगल से सो so, आप चाहो तो गूगल पे भी कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन आ, अगर ये बोल रहे हैं तो आप टेस्ट डाउन कर सकते हो इट्स अप टू यू अब हम दूसरी चीज पे ध्यान देते हैं वो के सेल्स पेज अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक वीडियो वी पेज है जहाँ पे आपको वीडियो दिखाई जा रही है और इसी वीडियो को आपको बेसिकली प्रमोट करना है इसी पेज पे आपको ट्रैफिक सेंड करना है सो so जब जो आपका एंड यूज़र है जब वो इस पेज पे आएगा और इस वीडियो को देखेगा और अगर उसको अच्छा लगता है तो वो प्रोडक्ट को बाय कर लेगा तो आपको एक सर्टन कमीशन मिल जाएगा सो so यही आपकी अफिलियड मार्केटिंग का पूरा सर्कल कम्प्लीट होता है सो so अब जैसे कि आप देख सकते हो कि डिजी स्टोर पर आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पर ध्यान देना है वो है आपका कैंसिलेशन रेट और कन्वर्जन रेट अगर आपको अच्छी खासी अर्निंग मिल रही है आप जैसे ऐसे क्लास सोल्यूशन सु, की बात करते हैं तो ये अच्छा खासा कन्वर्ट हो रहा है और आपको कैनेडियन फोटी वन डॉलर्स मिल रहे हैं विच इज़ रियली गुड नंबर और आपकी कन्वर्जन अगर कैंसलेशन रेट बहुत कम है तो ये और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आप प्रमोट कर सकते हो टेस्ट कर सकते हो इवन विद गूगल एड्स एज वेल सो अब चलते हैं हम लोग क्लिक बैंक की तरफ अगर आप क्लिक बैंक पर साइनअप नहीं किया हुआ है आपने अगर मान लीजिए तो आप साइनअप कर सकते हो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है जब आप अपने डैशबोर्ड में लॉग इन कर लोगे तो वहाँ से आपको मार्केट प्लेस पर लेफ्ट हैंड साइड से सिलेक्ट करके आना है और इस तरह से आपके पास मार्केट uh, प्लेस खुल जाएगा जहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट्स हैं सो अगर हम लोग कंपैरिजन करें डी जी सो ट्वेंटी फोर का और क्लिक बैंक का तो क्लिक बैंक में बहुत ही ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स uh, आते हैं क्योंकि ये बहुत ही पुराना वेंडर है और बहुत ही फेमस है सो so, uh, आप जब मार्केट प्लेस पे आ जाओगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है कि यहाँ पे आपको अपना निश सेलेक्ट करना है यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट्स uh, की इंफॉमेशन आएगी वो रैंक के बेस पे होगी सो so, जो जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग डी जी सो ट्वेंटी फोर पर हैं तो वहाँ पर जो क्राइटेरिया है प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का थोड़ा सा डिफरेंट है अगर आप जैसे वॉरियर प्लस पर जाओगे तो वहाँ पर जो क्राइटेरिया होगा थोड़ा सा डिफरेंट uh, होगा सो so, uh, जो क्लिक बैंक पर हम लोग मेन uh, चीज़ देखते हैं वो है ग्रेविटी सो so यूजली आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे आपको जो यूट्यूबर्स हैं वो बताते हैं कि आपको हाई ग्रेविटी वाला प्रोडक्ट चूज करना चाहिए मैं थोड़ा सा इससे डिसअग्री करता हूँ क्योंकि अगर आप हाई अगर आप बिगिनर हो आप एकदम से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हाई ग्रेविटी वाला प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं सिलेक्ट करना चाहिए आपको प्रोडक्ट ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जिसकी ग्रेविटी फिफ्टी प्लस हो और हंड्रेड से नीचे नीचे हो क्योंकि अगर आप हाई ग्रेविटी वाले प्रोडक्ट में जाओगे तो बेसिक सी चीज़ है कि इस प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे होंगे सो ग्रेविटी बेसिकली एक पैरामीटर है कि अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है और विद इन अ वीक अगर उसको मान लो सौ अफिलेट्स प्रमोट कर रहे हैं और अगर सौ अफिलेट में से फिफ्टी परसेंट भी लोग अर्निंग कर पा रहे हैं उस प्रोडक्ट से तो वो प्रोडक्ट अच्छा माना जाता है सो so, उसी के बेस पे आपकी ग्रेविटी डिसाइड होती है सो so, अगर आप यहाँ पे आ, अगर हम लोग हेल्थ नेच में आके यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ओकिनावा मेरे पास एक फ्लैट टॉनिक आता है तो अगर हम यहाँ पे इसकी ग्रेविटी चेक करें तो इसकी ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा हाई है मतलब यह है कि इसको बहुत लोग प्रमोट कर रहे हैं और इससे कन्वर्जन भी अच्छी खासी हो रही है और ये अगर हम लोग पर सेल की कन्वर्जन देखें तो आपको 145 डॉलर मिल रहे हैं एक सिंगल सेल के जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है सो so, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि हाई कन्वर्टिंग नंबर की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं और ये नहीं समझते कि अगर आप हाई कन्वर्टिंग की तरफ जाते हो तो आपको इनिशियली बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से क्लिक्स ला पाओ और अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर पाओ सो so यूजली अगर हम लोग पर क्लिक की बात करते हैं या पर अर्निंग की बात करते हैं तो वो हमें बड़ी दिखती है लेकिन यहाँ पे आप फंस जाते हो क्योंकि आप जब भी ऐसी प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे सो so जब भी आप अपने नए अकाउंट से किसी भी यू नो अ प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो आपके पास गूगल के पास कोई भी डेटा नहीं होता तो यूजली वो आपके प्रोडक्ट को यू नो सेल आउट करने के टाइम के ड्यूरेशन में ही लर्न करता है कि वो प्रोडक्ट कितना अच्छा है और आपको कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज़ करने का टाइम मिलता है तो अगर आप इन जनरल भी देखो तो अगर मान लीजिए ये आपको टी वन मान लीजिए यूएसए में प्रमोट करना है तो यू एस ए में प्रमोट करने के लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम अगर बैलेंस की बात करते तो हंड्रेड डॉलर का बैलेंस लेके चलना पड़ेगा जो कि आप मान लीजिए थर्टी टू फोर्टी डॉलर पर डे आपको लेके चलना पड़ेगा सो जो कि टेस्टिंग का ही फेज़ है सो ये जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गूगल ऐड्स के बारे में कि अगर आप मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपने ऐड को दो दिन रन किया आपने दो हज़ार लगा दिए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सेल हो जाए ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है ये दोनों तरफ जाने वाली चीज़ है अगर आपका पेज बहुत ही अच्छा बना है अगर मान लो आपको सही यूज़र सही कीवर्ड्स मिल जाते हैं तो आपके पास अच्छी खासी अर्निंग भी आ सकती है नहीं तो वो आपके पैसे पूरे के पूरे डूब भी सकते हैं सो so, इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट सिलेक्शन की प्रोसेस है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप अगर आप मान लीजिए आप बिगिनर हो तो आपको प्रोडक्ट ऐसा सिलेक्ट करना है जो कि 50 डॉलर से 100 डॉलर के नीचे नीचे हो सो so, इससे होगा क्या कि आपका जो कंपटीशन ब्रैकेट है वो थोड़ा सा कम होगा और आप अच्छा खासा लर्न कर सको सकोगे टाइम के साथ और मान लीजिए आप सेल्स भी जनरेट कर सकते हो अगर आप मान लीजिए सब कुछ सही कर लेते हो ठीक है सो so, अब अगर हम लोग इस प्रोडक्ट को देखें तो सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पे भी किया था कि हमने लैंडिंग पेज देखा था और अफिलेट पेज देखा था वही चीज़ हमने क्लिक बैंक के ऊपर भी करनी है सो so, अब यहाँ पे मैं पहले अफिलेट पेज पे जाऊँगा और देखूंगा कि किस तरह से मेरे पास क्या क्या चीज़ें मेरे को प्रमोट करने के लिए मिल रही हैं सो so, अगर आप देख सकते हो कि ये रिसोर्स पेज है यहाँ पे हमारे पास जो ओकिनावा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि किस तरह से इसको आप क्या इसके सेलिंग पॉइंट्स है किस तरह की आपके पास कन्वर्जन रेट आ रही है और किस तरह की ऑडियंस के साथ आपको डील करना है सो so, यहाँ पे आप अगर आप साइनअप करते हो तो आपको सबसे पहले चीज़ जो समझनी है कि आपको प्रमोशन कैसे करना है ये गाइडलाइंस पढ़नी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप मान लीजिए बहुत ब्रांड बिल्डिंग की बात करते हैं कि अगर मान लो आपने ओकिनावा के नाम पे ही यू नो एड रन करनी शुरू कर दिए और ओकिनावा खुद अपने नाम पे ऐड रन करता है तो वो कई बार बहुत आ, ऐसी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं सो so, जैसे कि आप समझ आ, इस चीज़ को देखो कि यहाँ पर ऐड्स को लैंडिंग पेज पे करना है और आप कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोल सकते कि ये यू नो स्कैम है या फ्रॉड है जो कि क्लिक यूज करते हैं लोग अपने रिव्यूज़ में सो so, आपको ऐसा कुछ भी नहीं जनरेट करना है जिससे कि उनके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है या फिर उसकी ब्रांड की इमेज को दिक्कत हो ठीक है सो so, ये सारी की सारी चीज़ समझने के बाद आपको ये चीज़ समझ आ देनी चाहिए कि इसको आप कहाँ प्रमोट कर सकते हो और कौन सा जो आपका सोशल यू नो बेसिकली ट्रैफिक सोर्स है वो अप्रूव्ड है सो so, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप फेसबुक पे प्रमोट कर सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप गूगल एड्स पे प्रमोट कर सकते हो और कई बार आपके पास ईमेल एड्स का ऑप्शन भी नहीं होता या ईमेल एड्स पे ही अप्रूव होता है सो so, ये बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं जिनको आपको गो थ्रू करना पड़ेगा ताकि आप अगर मान लीजिए ट्रैफिक भेजो तो आपका अकाउंट बैन ना हो या फिर आपको बेसिकली अगर मान लो सेल होती है तो वो आपको उसके पैसे मिल सके राइट एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि अफिलियर कैन नॉट रन एनी पी पी सी ब्रांड कैंपेन दिस इन्क्लूड्स बट इज़ नॉट लिमिटेड टू गूगल और एनी अदर सोर्स सो यहाँ पर जो ओकीनावा के ब्रांड की वर्ड्स हैं आप उनको बिड नहीं कर सकते आप इनके ऊपर यू नो एड्स नहीं रन कर सकते क्योंकि ये अलाउ नहीं करते हैं अगर आप ऐसे uh, बिड करके इनको भेजते हो ट्रैफिक तो ये आपको कमीशन नहीं देंगे और आपको बेसिकली ब्लैकलिस्ट कर देंगे सो so, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो आप उनका अफिलेट पेज जरूर पढ़ो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में और ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए आप अपना अफिलेट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप फुल फ्लेज अफिलेट की तरह काम करना चाहते हो तो आपको ये मेक श्योर sure करना पड़ेगा कि जो आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो वो बहुत ही अच्छे लेवल के हों कोई भी ऐसा फ्रॉड वाला प्रोडक्ट ना हो जिससे कि किसी यूज़र की हेल्थ को या किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचे राइट क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक बार को ट्रैफिक ले भी आते हो कोई आपसे सेल आउट कर भी मतलब आपसे बाई आउट कर भी लेगा तो होगा क्या कि अगर आप दोबारा उस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट को अगर प्रमोट करोगे तो वो दोबारा कभी भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा सो so, आपको इसीलिए प्रोडक्ट सिलेक्शन करते टाइम ध्यान देना है कि आप प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी रिसर्च करो मेक श्योर sure कि आप लेजिट प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करो कोई ऐसे प्रोडक्ट ना प्रमोट करो जो कि थोड़े शेडी हैं या फिर यूज़र को हार्म कर सकते हैं राइट सो so, हमने ये चीज़ समझ ली है कि हम ब्रांड बिलडिंग यहाँ पे नहीं कर सकते हम किसी भी तरह की आ, इनके ओरिजिनल कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते तो हमें बेसिकली हेल्थ रिलेटेड ही बात करनी है तो हमें आ, जो वेट लॉस के प्रोडक्ट्स हैं उनको वेट लॉस के कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा सो so, अगर मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट वैली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रोडक्ट की जो टारगेट ऑडियंस है वो समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे वो लोग होंगे जो कि अपना वजन कम करना चाहते हैं या फिर अपने यू नो बैली को बैली फैट को कम करना चाहते तो हो तो यही हमारी टारगेट ऑडियंस होगी सो यहाँ पे जो आपकी कीवर्ड रिसर्च आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है uh, अगर आप समझो तो सो so, मैंने आप ऑलरेडी एक अच्छी खासी वीडियो बना के रखी हुई है अपने चैनल के ऊपर अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो भी देखना क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी एडवांस की की जो टेक्निक्स हैं एक्सप्लेन करी हुई हैं सो so, उनमें से एक जो मेरा फेवरेट मैथड है वो है ग्रॉसरी मैथड जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अगर आप वीडियो वो देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका लेंग सो यहाँ पे वो जो चीज़ है वो आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हो क्योंकि उससे होगा क्या कि आप जो अगर मान लीजिए डायरेक्ट अगर कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हो कि यू नो हाउ टू रिड्यूज़ योर बेली फैट और ऐसे की पे अगर आप सीपीसी देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है तो अगर आप एक सिंगल क्लिक भी अगर वहां पे ले आते हो अपनी वेबसाइट पे तो वो आपको चार से पाँच सौ का पड़ सकता है यू नो वो कम से कम पाँच दस डॉलर का पड़ेगा आपको तो जो कि बहुत ही हाई होगा तो अगर आपके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है तो आप ऑलरेडी यू नो बहुत लॉस में चले जाओगे सो so इसलिए आपको ये जो कीवर्ड रिसर्च है कौन सी कीवर्ड्स को टारगेट करना है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है वो मैं आपको एंड टू एंड एक्सप्लेन करूंगा कैसे उस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं विथ फ्री टूल्स और जो पेड टूल्स हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन ये जो करंट uh, ट्यूटोरियल है उस उसमें मैं सारे के सारे आपको फ्री टूल्स के बारे में ही बताऊंगा अगर आपको पेड टूल uh, uh, वाला ट्यूटोरियल देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि ए एच से कैसे की फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से सही की को हम लोग पुश आउट कर सकते हैं तो so, दोस्तों प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब मेन इंपॉर्टेंट ये टास्क आ जाता है कि आपको इसको प्रोमोट कहाँ करना है तो जनरली आपके पास जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि दो ही मेथड्स होते हैं या तो आप वीडियो के फॉर्म में कर सकते हो या फिर आप ब्लॉग रिव्यू बना सकते हो या फिर अगर आप मान लो लैंडिंग पेज क्रिएट करके ऑप्टन uh, पेज बना के सारी चीज़ें सॉर्ट uh, आउट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो सो जो टूल हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो है कन्वर्ट किट ये एक फ्री लैंडिंग पेज बिल्डर है आप चाहो तो अपनी ऑफिशियल अगर वर्ड की वेबसाइट है वहाँ पे भी बना सकते हो या फिर आप उसको रिव्यू के फॉर्म में भी बना सकते हो लेकिन लैंडिंग पेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अगर आपके पास बिल्कुल टारगेटेड ऑडियंस है और आपको ई मार्केटिंग आगे करनी है तो ये आपको ई मेल कलेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा सो so, अगर आप चाहो तो सिंपली कन्वर्ट किट डॉट कॉम पर जाके अपना फ्री अकाउंट बना सकते हो आपको कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी आपको अपने लैंडिंग पेज को अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एडिट करना है सो so, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे मार्केट प्लेस में से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं पहले सो so, uh, देखते हैं कुछ मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ मिल जाता है तो ओके okay, ये चेक करते हैं ई एंड मार्केटिंग सो so, अगर आप इस प्रोडक्ट को देखो तो सबसे पहले हम लोग इसका सेल्स पेज देखते हैं और फिलेट सपोर्ट देखते हैं ये कैंसिलेशन रेट इसका बहुत कम है और ये अच्छी खासी हमें रिटर्न दे रहा है तो हमें पहले इसको चेक करना है ये फिलेट प्रोग्राम है किसकी चीज़ के लिए सो so, अगर आप देख सकते हो ये इनका लैंडिंग पेज बना हुआ है और यहाँ पर ये हमें गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आपको कितना कमीशन रेट एट्सट्रा मिलेगा सो so, अगर आप देख रहे हो इनकी कन, जो फनल है वो बता रहे हैं कन्वर्टिंग बहुत अच्छी कर कन्वर्ट अच्छा करती है और अच्छे खासे इन्होंने पैसे लोगों को पे कर दिए हुए हैं इस, इस सिस्टम के लिए तो अभी हम लोग करेंगे क्या कि एक लैंडिंग पेज बनाएंगे मेक मनी ऑनलाइन निच के लिए सो so, आपको मैं अभी वो गाइड करूँगा स्टेप बाय स्टेप आप, आप कैसे अच्छे लैंडिंग पेज डिज़ाइन डिज़ाइन कर सकते हो और कैसी कैसी चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब आप बना रहे हो ठीक है सो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारे पास पेज पर क्या क्या है सो so, यहाँ पे हमारे पास एक वीडियो है सिंपल uh, ये वी एस पेज है सो so, यहाँ से वीडियो के बाद अगर जो भी ये वीडियो ख़त्म होगी तो यहाँ से आई थिंक इनका बाय आउट पेज आ जाएगा ठीक है सो so, अब हमें करना क्या है कि इनकी हुक लाइन उठानी है सो so, ये देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जितनी भी ये टैग टैगलाइंस यहाँ पर यूज़ करते हैं ये बहुत ही अट्रैक्टिव uh, होती हैं और ये ऐसी होती हैं कि जो एंड यूजर को फोर्स करती हैं कि वो यू नो प्रोडक्ट को बाय करे या फिर उसको एटलीस्ट कंसिडर uh, करे देखे कि क्या है ये प्रोडक्ट के बारे uh, मतलब प्रोडक्ट किस बारे में है राइट right? सो so, अभी हमें सबसे पहले करना क्या है कि अपने कन्वर्ट किट के अकाउंट में लॉग इन कर लेना है अभी मेरे पास यहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड में देखो तो यहाँ पे मेरे पास क्विक एक्शन है यहाँ पे आपको क्रिएट अ न्यू लैंडिंग पेज करना है अगर आप चाहो तो सिंगल फॉर्म भी बना सकते हो स्निपेट्स भी बना सकते हो और ई मेल टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी सो so, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पे लैंडिंग पेज पे क्लिक कर देना है सो तो अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है तब तक, तक हम लोग वेट करते हैं सो तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने बनाए मिल चुके हैं अगर आप चाहो तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो आपको पहले अपने पेज के बारे में सोचना है कि आपको पेज में क्या क्या इंक्लूड करना ज़रूरी होता है सो तो सबसे पहले अगर आप टैगलाइन की बात करो तो यहाँ पे आ, सिंपल एक लाइन दी गई है ये हम लोग यहाँ से लैंडिंग पेज से यूज़ कर सकते हैं और दोस्तों जब भी आप लैंडिंग पेज बना रहे हो तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते और ये ही मतलब बेस्ट तरीका है जब भी हम लोग अपनी एड्स रन करते हैं या फिर गूगल एड्स के ऊपर काम करते हैं हम मल्टीपल एड कॉपीज़ या फिर मल्टीपल पेजेस बनाते हैं या मल्टीपल ग्राफिक्स यूज़ करते हैं ताकि यूज़र के साथ हम लोग टेस्टिंग कर सकें सो so, जो कैंपेन है वो बेटर चलता है हम उसको और कंटिन्यू करते हैं और सेम तरह की ऑडियंस को बढ़ा के और प्रॉफिटेबल बनाते हैं तो यही प्रोसेस है सब तरह के लैंडिंग पेजेस की हम क्या करते हैं कि यूजली एक से दो लैंडिंग पेजेस डिज़ाइन करते हैं और उनको टेस्ट करते हैं सो तो जिस लैंडिंग पेज में ज़्यादा कन्वर्जन होती है उस लैंडिंग पेज को हम लोग आगे यूज़ कर लेते हैं राइट सो तो अभी हमने करना क्या है कि यहाँ पर एक थीम सेलेक्ट करनी है हमने एक आधी थीम को प्रिव्यू कर सकते हैं सो तो अगर आप ये देखिए ये एक अच्छा लग रहा है सो इसको पहले प्रिव्यू करते हैं पेज किस तरह का लगता है सो so, आप देख सकते हो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही नीट एंड क्लीन है और यूजली लैंडिंग पेजेस ऐसे ही होने चाहिए जितना आपका लैंडिंग पेज सिंपल होगा उतना ही आपकी ऑप्टिंग चांस जो है वो बढ़ जाएगा बेसिकली अगर आप ईमेल कलेक्ट कर रहे हो तो आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए आप आराम से इस तरह की चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो सो so, यहाँ पे ये लैंडिंग पेज अच्छा है लेकिन यहाँ पे जो इमेज है ये मेरे काम की नहीं है तो uh, मैं कोई और डिज़ाइन ढूंढता ढूंढाऊँ ओके दिस इज दिस इज़ लुकिंग गुड सो लेट मी चेक दैट ओके, okay. सो so, ये पेज बहुत ही सिंपल है आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक हुक लाइन है ऊपर नीचे और यहाँ पे सीधा ईमेल सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है जो कि बहुत सिंपल है ठीक है सो so, अब हमें करना क्या है कि यहाँ से सबसे पहले इसको एडिट करने के लिए सिलेक्ट करना है तो दोस्तों आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं अगर आप चाहो तो अपना नया पेज बना के स्क्रैच से भी शुरू कर सकते हो लेकिन उससे बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा आपका तो ये बेटर है कि आप अच्छी से एक टेम्पलेट उठा लो और उसको अपने हिसाब से एडिट कर लो तो अब अगर हम लोग फ्री वर्जन में आते हैं तो हमारे पास ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं होते अगर आप यहाँ पर देखो तो ये बिल्ट विद कन्वर्ट कन्वर्टकेट ये हमेशा रहेगा यहाँ पर अगर आप चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो ये बहुत ही मतलब चीप ही कह सकते हो तो आप आपको ठीक ठाक प्राइस में मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा जिसको आप यूज़ करके और अच्छे और लैंडिंग पेजेस और डिज़ाइनस को कस्टमाइज़ कर सकते हो सो so अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें इमेज तो मेरे पास यहाँ पे फीड मी लवली ये वो ये चीज़ें हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है तो हमें सिंपली करना क्या है कि इस पेज को अपने हिसाब से एडिट करना है ताकि ये मेक मनी ऑनलाइन के अकॉर्डिंग बन जाए सो so ये सारी की सारी अगर आप टेक्स्ट देखो यहाँ पे ये चीज़ें देखो ये हमारे काम की नहीं है तो हमें इनको करना क्या है कि एडिट करना है सो so, अभी मैं करूँगा क्या है कि यहाँ पे पेज एडिट करने का ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं करूँगा क्या है कि यहाँ पे जो अननेसेसरी टेक्स्ट है उसको मैं रिमूव कर दूँगा सो so, अभी हम लोग जर्नल सेटिंग्स में जाते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं सो so, यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए अपना टेक्स्ट रिमूव कर दीजिए जो आपको नहीं चाहिए सो so, अभी मैं पेज को एडिट करना शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं जो अननेसेसरी टेक्स्ट है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे आप कर कह सकते हो कि अपने हुक हुकलाइंस को ऐड कर सकते हो और ऐसी अट्रैक्टिव लाइन्स बना सकते हो जहाँ पे आपका जो एंड यूज़र है वो इससे समझ सके इस प्रोडक्ट को समझ सके और उससे क्यूरियस हो सके सो so, यहाँ पर मैं ये हुक लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा सो so, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका कलर चेंज करूँगा उसको ब्लैक में कन्वर्ट करूँगा ताकि क्योंकि पीछे वाइट बैकग्राउंड है तो ब्लैक अच्छे से निखर के आएगा सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इंस्टेंट एक्सेस को हाईलाइट कर देता हूँ इसको चेंज करते हैं हम रेड कलर में आई थिंक ये ज़्यादा बेटर लग रहा है ओवरऑल अगर पेज की तरफ देखें तो इसको हम लोग ऐसे ही रहन देंगे ताकि ये थोड़ा सा ध्यान अट्रैक्ट करे लोगों का सो यहाँ पे मैं ये रिमूव कर देता हूँ तो so, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमें बस सिंपली एड टेक्स्ट करना है और ओके सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और इसको शॉट शॉर्ट कर देते हैं सो so, हम इस तरह से डालते हैं क्योंकि ये मेक मनी ऑनलाइन की वीडियो आपके आपके सामने आएगी इस लैंडिंग पेज पे तो हमें करना क्या है कि इसको इसके ऊपर ट्रैफिक को सेंड करना है तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव इस तरह से कंटेंट लिखूँगा जहाँ पे ईमेल एड्रेस मैं ऐसे ही रहन दूंगा सब्सक्राइब का ऑप्शन डाल दूंगा और ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक लैंडिंग पेज रेडी हो चुका है राइट अब हमें सिंप्लीफाई करना क्या है कि ये पीछे की बैकग्राउंड इमेज जो ये टेक्स्ट है इसको रिमूव करना है तो मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा क्योंकि ये मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है आप चाहो तो बैकग्राउंड इमेज में मेक मनी ऑनलाइन से या फिर अर्निंग से रिलेटेड कोई अच्छी सी कॉपीराइट फ्री इमेज उठा सकते हो अगर आप चाहते हो तो आप पैक्सल डॉट कॉम पर जाके इमेज uh, को डाउनलोड कर सकते हो सी तो ए फ्री स्टॉक फुटेज का एक वेबसाइट uh, है जहाँ पे आप जाके अच्छी खासी इमेजेस uh, को uh, डाउनलोड कर सकते हो तो यहाँ पे मैं मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ सर्च कर लेता हूँ अगर हमें कुछ मिल जाता है इससे रिलेटेड अच्छा तो हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं सो so, यहाँ पे आई थिंक नहीं यहाँ पे इमेज सर्च करते हैं हम लोग कुछ अच्छी ओके okay, कुछ अच्छा नहीं मिल रहा आई थिंक अभी इस टेस्टिंग के लिए हम लोग ये वाली इमेज यूज़ कर लेते हैं लेकिन आपको बेसिकली अपने पेज को अच्छा बनाना है ताकि सामने वाला यूज़र उससे कन्विंस हो जाए कि हाँ ये पेज एलिजिट है किसी तरह का फ्रॉड नहीं करेगा तो हम यहाँ पे जाके सेलेक्ट करते हैं ये मैं हेडिंग ऐसे ही छोड़ दूंगा और मैं जर्नल स्टाइल्स में जाता हूँ सबसे पहले तो आप यहाँ पे अगर इमेज का ऑप्शन देखो तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे ये इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है ओके सो तो अभी डाउनलोड हो चुकी है मैं इसको एंड ड्रॉप कर रहा हूँ ये एंड ड्रॉप नहीं काम कर रहा है यहाँ पे तो एक बार ट्राई करते हैं फिर से इट्स नॉट वर्किंग तो ठीक है मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ आप अगर चाहो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो एक दूसरा तरीका जो आ, होता है वो और बेटर तरीका ये होता है कि आप उसमें स्क्रीन डाल दो अपने लैंडिंग पेज में ताकि आपकी सक्सेस का जो आ, या फिर यूज़र को अट्रैक्ट अगर आप यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो आप देखें कि इस आ, सेल्स वाले पेज के ऊपर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डाल के रखी हुई कि हमने इतने अफिलियट्स को यू you नो know, पे किया है अगर आप ऐसे इस तरह के स्क्रीन शॉट बना लो तो आप इस तरह के स्क्रीन शॉट को भी डाल सकते हो अब जैसे ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये कस्टमर का डाला हुआ है तो यहाँ पे आप इस तरह के स्क्रीन शॉट को यहीं से उठा सकते हो और इनको एडिट करके यहाँ पे लैंडिंग पेज में ऐड कर सकते हो अगर आप कुछ नया ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सिंपली प्लस साइन पे पे क्लिक करना है और आप यहाँ से इमेज और जो जो मर्जी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से तो अभी मैं कुछ नहीं करूँगा अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ आप यहाँ पे यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हो अगर आप ऑन फ्लैश से आ, कुछ देखना चाहते हो सो so, यहाँ पर मैं मेक मनी सर्च करूँगा तो आई थिंक दिस इज़ लुकिंग गुड तो आप चाहो तो ऐसी इमेज डाल सकते हो तो दो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट उस चीज़ का डालना है जहाँ पे एक एंड यूज़र अपनी पेमेंट वो बता रहा है अर्निंग का प्रूफ दे रहा है तो इस तरह के अर्निंग प्रूफ डालने से लैंडिंग पेज थोड़ा और कन्वर्टिंग हो जाता है क्योंकि जो एंड यूज़र है उसका एक साइकोलॉजिकल माइंड बन जाता है कि हाँ मे भी लोग इससे पैसे बना रहे हैं तो अगर मैं ऑप्टेन कर लूँगा तो मैं भी इससे पैसे बना पाऊँगा सो तो आपको ये साइकोलॉजी का हमेशा ध्यान रखना है राइट अब इसके बाद आपको जो मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है वो है कि इसका कन्व रिडायरेक्शन कहाँ पर करना है सो तो अगर आप जब भी देखो तो यहाँ पे हमारे पास जब सब्सक्राइब बटन पे कोई क्लिक करेगा तो ये कहाँ पे जाएगा तो हमें ये कॉल टू एक्शन को कस्टमाइज uh, करना है तो आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है यहाँ पे सो so, सेटिंग्स में जाने के पास आप देख सकते हो कि हमारे पास दो तरी uh, दो मेथड हैं यहाँ पे कि या तो आप सक्सेस मेथड वहाँ पे सिंपल uh, uh, मतलब मैसेज दिखा के आप रिडायरेक्ट uh, या मैसेज दिखा दीजिए या फिर आप सिंपली रिडायरेक्ट कर दीजिए तो यहाँ पे आप रिडायरेक्शन का ऑप्शन लोगे क्योंकि हमें करना क्या है कि अपनी ट्रैफिक को अपने लैंडिंग पेज के ऊपर पुश uh, करना है सो so, अगर हम लोग यहाँ पे प्रमोट नाउ का सिलेक्शन uh, कर लेते हैं मान लो तो ये हमारा जो है uh, हमारा लिंक आ गया है जिसके ऊपर हमने ट्रैफिक को सेंड करना है तो अब मैं करूँगा क्या कि इस पेज के ऊपर जाके रीडायरेक्ट टू एन एक्सटर्नल पेज करूँगा और इसको सेव कर दूँगा ठीक है अगर आप अपना गूगल uh, का एनालिटिक्स का ट्रैकिंग कोड यहाँ पर डालना चाहते हो तो आप ये डाल सकते हो यहाँ पर ये यह सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप uh, अगर ट्रैकिंग uh, के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आपको अपना यहाँ पर एनालिटिक्स आई डालना है और सिंपली सेव कर देना है इससे होगा क्या कि जो भी लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक आ रही होगी आप अपने गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करके से, अच्छे से समझ सकते हो कि आपकी ट्रैफिक किस तरह से इंट्रैक्ट कर रही है पेज के साथ ठीक है सो so जब ये आपने कर लिया है सेटिंग्स अगर आप चाहो तो और कस्टमाइज़ कर सकते हो अगर आप अपना खुद का डोमेन अगर मान लीजिए आपके पास है तो पहले तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपना सब डोमेन ही यूज़ करें रादर देन एक फुली क्वालिफाइड डोमेन को यूज़ करना उससे फ़ायदा ये होगा कि कल को मान लीजिए आपके पेज के ऊपर कुछ हो जाता है या या फिर यू नो आपका डोमेन बैन हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आपको मेन डोमेन को कुछ इशू नहीं होगा आप सब डोमेन को ही यूज़ करके अच्छे से यूज़ कर सकते हो अपने लैंडिंग पेजेस के लिए सो so, अगर आप चाहो तो ये इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बना दूँ जिससे कि आप अपना कस्टम डोमेन लैंडिंग पेजेस के साथ इंटीग्रेट कर पाओ चाहे आप क्लिक फनल यूज़ करो या फिर आप ग्रूफ फनल यूज़ करो इट डजेंट मैटर प्रोसेस सबके लिए सेम ही होने वाली है तो आपको सिंपली यहाँ पे सेव कर देना है उस चीज़ को तो अभी हमने जर्नल सेटिंग्स में सिंपली रिडायरेक्शन ऐड करी है तो मैंने इसको सेव कर दिया है सो so, यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा और उसके बाद मैं करूँगा क्या कि पब्लिश कर दूँगा सो so, जब आप पब्लिश कर देते हो तो आपको दो से तीन मिनट वेट करनी है उससे होगा क्या कि जो आपकी प्रॉपिगेशन है वो कम्प्लीट हो जाएगी और आपका जो लैंडिंग पेज है वो रेडी हो जाएगा किसी भी तरह की ट्राफिक को लेने के लिए सो so, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ये लिंक आ चुका है अगर आप पब्लिश पे क्लिक करोगे तो वो आपके पास ये लिंक आ जाएगा आपको ये सिंपली सिलेक्ट करना है कॉपी करना है और इसको हम पहले ओपन करके देखते हैं कि हमारा लैंडिंग पेज हमारे पास किस तरह से विजिबल हो रहा है तो आप देख रहे हो ये लैंडिंग पेज हमारे पास आ गया है आप चाहो तो आ, आ, आप प्राइवेसी पॉलिसी और ये वो आ, डिस्क्लेमर ज़रूर ऐड करिएगा ये एक अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप लैंडिंग पेजेस बना रहे हो और आपकी प्राइवेसी पॉलिसी या फिर इस तरह की डिस्क्लेमर नहीं एडेड है तो गूगल आपका पेज एड कॉपी को रिजेक्ट कर देगा ठीक है सो so, अगर आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है या फिर आपके पास वेबसाइट ही नहीं है तो आप चाहो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का ही प्राइवेसी पॉलिसी यूज़ कर सकते हो क्योंकि टेक्निकली हम लोग इन्हीं का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी और लीगल टर्म्स हैं वो आप यहाँ से सिंपली पेज ओपन करके अगर हम लोग इनके लैंडिंग पेज पर पे जाएँ यहाँ पर तो हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी अच्छी खासी है तो आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और इसको यहाँ पर अपने लैंडिंग पेज पर ऐड कर लेना है वो आप यहाँ से सीधी ऐड कर सकते हो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया हुआ है या फिर आप इसको एडिट करके यहाँ से प्राइवेसी सेट करके इसके ऊपर हाइपर लिंक ऐड कर सकते हो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे ऐड लिंक कर दिया प्राइवेसी को सिलेक्ट करके तो अब जब कोई प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करेगा तो ये वाले इस लैंडिंग पेज पे या फिर मेरी इस प्राइवेसी वाले पेज के ऊपर चला जाएगा इसको मैं आपसे कॉपी कर लेता हूँ आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ऐड योर करा मैंने ऐड लिंक करके छोड़ दिया ठीक है अब जब भी आप कोई चेंजेस कर रहे हो आपको हमेशा सेव करने हैं और दोबारा से पब्लिश करना है ताकि आपकी जो चेंजेस हैं वो रिवर्ट बैक हो जाएं आपके लैंडिंग पेज में सो so, अभी पब्लिश करने के बाद मैं एक डेढ़ मिनट रुकूंगा और उसको दोबारा से एक बार रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है यहाँ पर सो so, अभी तक नहीं आई है तो आप आ, बेसिकली वेट कर सकते हो सो so, अब अगर हम इस पेज को टेस्ट करके देखें तो यहाँ पर मैं अपना ई डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड तो भी मैं सिंपली सब्सक्राइब पे क्लिक करूँगा आप चाहो तो यहाँ पे सबमिट भी डाल सकते हो अब हमने जब ये इस पेज पे क्लिक किया है तो आप देखो तो ये हमारे प्रमोशनल पेज की तरफ रीडायरेक्ट हो चुका है और आप देख सकते हो कि इस वाले पेज पे हमने ऑलरेडी ट्रैफिक सेंड करनी थी तो इस तरह से आपका रिडायरेक्शन कवर हो जाता है ये एक तरीका है दोस्तों काम करने का इससे होगा क्या है कि जो भी ईमेल आपका एडेड होगा वो आपके लैंडिंग पेज के साथ एम्बेड हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे अब लैंडिंग पेजेस और फॉर्म्स के ऊपर जाके देखें या फिर सब्सक्राइबर uh, की तरफ जाके देखें तो हमें बेसिकली यहाँ पे uh, देखना है कि हमारे पास सब्सक्राइ लिस्ट uh, में आ चुका है कि नहीं ई मेल लिस्ट में uh, नया ई आ चुका है कि नहीं आ चुका सो so, अभी तक हमारे पेज के ऊपर नहीं आया है क्योंकि उसका सिंपल सा रीज़न है कि हमने पेज की ट्रैफिक को रिडायरेक्ट किया है रावर देन हम लोगों ने उसको ईमेल पे कन्वर्जन uh, में डालने की कोशिश की है ठीक है सो so, अभी हम लोग जस्ट वेट करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कोई भी अभी तक ट्रैफिक में इजाफा नहीं हुआ है तो अभी हमें करना क्या है कि इस पेज को अगर आप चाहो तो ईमेल लिस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप सिंपली कर क्या सकते हो कि अपना ईमेल का सीधा रिडायरेक्शन रि डाल सकते हो तो अभी ये तो एक तरीका दिखा दिया कि अगर आप सिंपल लैंडिंग पेज के ऊपर ट्राफिक भेजना चाहते हो बिना ई कलेक्ट किए तो अभी मैं आपको सेकेंड मैथड बताऊँगा जहाँ से आप अपना ई कलेक्शन का काम भी कम्प्लीट कर सकते हो अगर आप अपनी ई लिस्ट बिल्ड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली वही लैंडिंग पेजेस की तरफ जाना है और इसी लैंडिंग पेज को आपने एडिट कर देना है सो अभी पेज लोड हो रहा है अभी आपको मेन जो सेटिंग्स करनी है हमने वापस अपना लैंडिंग पेज सेलेक्ट करना है तो ये वाला हमने पेज बनाया था मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ सो so दोस्तों जो पहले हमने मेथड चेक किया था वो था कि पेज को हम डायरेक्टली अपनी ट्रैफिक को सेंड कर दें बिना ई मेल कैप्चर किए सो so, अभी मैं आपको वो वाला मेथड बताता हूँ जहाँ पे आप लोग अपनी ई को डायरेक्टली ई लिस्ट में डाल सकते हो जो कि आपको कन्वर्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ से आपको सेंड इंसेंटिव ई मेल पर अगर ये आपके लिए बेसिकली क्लिकड होगा हमें इसको अनक्लिक करना है तो इससे होगा क्या है कि जो ये डबल कन्फर्मेशन uh, वाला ऑप्शन है ये डिसेबल हो जाएगा यूजली होता है क्या है कि जब भी आपकी ई मेल यहाँ पर डलती है तो ये आपको ई मेल सेंड करता है विद द लिंक जो कि आपको कन्फर्म करना पड़ता है सो so, अगर आप यहाँ पे इंसेंटिव ईमेल को अगर ब्लॉक कर देते हो तो उससे होगा क्या है कि जो भी यूज़र यहाँ पे ईमेल डालेगा वो डायरेक्टली ईमेल लिस्ट में सेव हो जाएगा ठीक है सो so, हम बेसिकली करेंगे क्या कि जो हमने रीडायरेक्शन पहले ऐड करी थी उसको बंद करके हम यहाँ पे सिंपली शो सक्सेस मैसेज दिखाएंगे और उसके बाद आपको करना क्या है कि इंसेंटिव ई को ब्लॉक करना है और इसको सिंपली सेव कर देना है सो so, यहाँ पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ और इस पेज को पब्लिश कर रहा हूँ वापस अब हम लोग एक डेढ़ मिनट वेट करेंगे ताकि हमारे पास जो चेंजेस हैं वो रिफ़्लेक्ट हो जाएं। सो so अब अभी हम लोग टेस्ट करते हैं एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ इसको सो so देखते हैं कि हमारी ईमेल जो है वो आई है कि नहीं है तो अभी मैं इसको डाल रहा हूँ तो मैं पेज सब्सक्राइब कर रहा हूँ अभी मेरे पास देखिए सक्सेस का मैसेज आ चुका है सो so अभी हम लोग करते क्या है कि हम लोग अपने लैंडिंग पेज की तरफ जाते हैं और सर so, दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे पास सब्सक्राइबर uh, लिस्ट में हमारे पास uh, नया ईमेल आ चुका है जो कि हमने 4 सितंबर को ऐड किया था और इसी के हिसाब से आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं अगर आप लैंडिंग पेज से सीधी ट्रैफिक uh, अपने लिंक uh, के ऊपर सेंड करना चाहते हो तो आपको सिंपली यहां पे सेटिंग्स में जाके रिडायरेक्शन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है अगर आप चाहो तो उसको डायरेक्ट uh, uh, अपनी ई uh, लिस्ट में भी डाल सकते हो ताकि आप उन, उनको बाद में ई मेल्स uh, के थ्रू फॉलोअप uh, कर सको लेकिन ये दोनों मेथड ही काम करते हैं यहाँ पर अगर आपको जो बेटर लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं सो so, दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम गूगल एड्स के थ्रू कैसे अपने प्रो, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं सो so, हमने ऑलरेडी वीडियो मैंने एक बना के रखा हुआ है जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था तो मैंने ओकीनावा फ्लैट वैली का ऑलरेडी एक वीडियो बना के रिव्यू बना के रखा हुआ है अब मैं उस वीडियो को बेसिकली प्रमोट करूंगा गूगल ऐट्स के थ्रू तो अभी चलते हैं हम गूगल ऐट्स की तरफ सो so, अब हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमें प्रमोट कैसे करना है सो so, अगर हम लोग यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास प्रमोट का लिंक आता है सो so, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सो so, जो भी आपने यूज़र नेम बनाया होगा अकाउंट डिक नेम बनाया होगा जब आपने अकाउंट सेटअप किया होगा तो वो आपको यहाँ पर ऐड करना है और आपके पास जनरेट होप लिंक का ऑप्शन आ जाएगा सो so, अगर आप ट्रैकिंग आईडी यूज करना चाहते हो यहाँ पे मान लीजिए ट्रैफिक जब आप सेंड कर रहे हो मान लो आप मल्टीपल सोर्सेज से ट्रैफिक सेंड कर रहे हो तो आप उसको यू नो सेग्रीगेट कर सकते हो जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपके पास इस यू नो you know, लिंक पे कौन सी कहाँ से, से ट्रैफिक आई है तो आपको बेसिकली जनरेट हॉप लिंक करना है और उस हॉप लिंक के ऊपर ही आपको करना क्या है कि अपनी ट्रैफिक को सेंड करना है सो so, अब बात आती है कि इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया कैसे जाए सो so, आपके पास दो मेथड्स हैं जो कि आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो एक तो ये है कि अगर आप मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल है तो आप इसके ऊपर एक फुल फ्लैज वीडियो बना सकते हो आप रिव्यू जनरेट कर सकते हो कि किस तरह से ये प्रोडक्ट काम करता है किस तरह से हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है किस तरह से आपकी यू नो जो बेलीफाइट है वो जल्दी बर्न हो जाएगी सो so, जब भी आप इसको YouTube पे प्रमोट कर रहे हो या फिर आप कहीं पे भी अगर आप मान लीजिए रिव्यू भी प्रमोट कर रहे हो तो बहुत सारे फिलिट्स करते क्या है कि आपको फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं फ्री यू नो ई बुक्स दे देते हैं यू नो वीडियो ट्यूटोरियल्स दे देते हैं सो so, इसी तरह से आप बेसिकली अपनी अफिलेड जो अर्निंग है उसको बूस्ट कर सकते हो सो so, मान लो अगर आप इसको यूट्यूब पे अगर प्रमोट करते हो तो आप क्या कर सकते हो कि फ्री ई -बु, बुक डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पे यू नो कीटो से रिलेटेड आपको स्टफ़ मिल जाए या फिर आपको ऐसा कुछ वीडियो मिल जाए जहाँ पे आपके पास कीटो का पूरा का पूरा रेसिपी बुक हो या फिर आप ऐसी चीज़ों को जनरेट कर सकते हो सो so, इन प्रोडक्ट्स को बेसिकली पी प्रोडक्ट्स कहते हैं जिनको आप कभी भी यू नो रीसेल कर सकते हो अपने नाम से अपनी ब्रांडिंग के थ्रू अगर आप गूगल पर सर्च करो पी प्रोडक्ट्स तो आपके पास अच्छी खासी जो वेबसाइट्स की लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे आप आ, सस्ते पैसे में अच्छा खासा यू नो ऐसी चीज़ें ढूंढ सकते हो सो so, अभी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ सो so, आप जैसे देख ये देख सकते हो अगर आप मान लो मेक मनी ऑनलाइन नेच में हो तो आप ये वाली जो ई e बुक है ये फ्री में डाउनलोड करके लोगों को सेल आउट कर सकते हो तो so, एक बार मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ सो so, अगर आप मान लीजिए मेक मनी ऑनलाइन नेच में हो ओके okay, तो माय बाईल क्या हुआ ओके सो लेट मी पॉज इट एंड रिफ्रेश इट सो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी ई बुक्स हैं जिनको कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट के साथ सेल आउट लोगों को दे सकते हो अपने नाम के अंडर सो so, आप जब प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो तो आप उससे रेलेवेंट जो चीज़ें हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे अगर हम लोग मेक मनी ऑनलाइन निच्च की बात करें तो आप मेक मनी ऑनलाइन निच्च के ऊपर अगर फिलेट मार्केटिंग की बुक दे देते हो तो बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है और उससे होगा क्या कि जो एंड यूज़र है उसको ऐसा लगेगा कि उसको फ्री में कुछ अच्छा मिल रहा है तो वो बेसिकली आपके लिंक से परचेज़ कर लेगा और आपको अर्निंग मिल जाएगी उसकी ठीक है सो so, ये वीडियो ये जो लिंक ई बुक है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो आप इसको अपने ड्राइव लिंक पे दे दे सकते हो आप उनको बोल सकते हो कि जब वो परचेज़ कर लें तो आपको स्क्रीन भेज दें सो so, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं राइट सो जब वो आपको स्क्रीन भेजेंगे तो आपके पास उनकी ई भी आ जाएगी तो आप अपनी ई लिस्ट भी साथ के साथ बना सकते हो राइट सो इस तरह से अब हम बढ़ते हैं कि ये प्रोडक्ट को हम लोग टारगेट कैसे करें सो so, बेस्ट uh, जो मेथड मैं यू नो प्रेफ़र करता हूँ वो ये है कि मैं सबसे पहले कंपटीशन देखता हूँ कि अगर मान लीजिए जैसे ओके नाबा है बहुत ही हाई यू नो प्राइस का प्रोडक्ट है और अच्छे खासे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कि गूगल ऐप्स में हमारे पास अच्छा खासा ट्रैफिक भी होगा और कंपटीशन भी होगा विच मीन्स कि मेरी जो टोटल uh, अगर इन्वेस्टमेंट है जस्ट टू प्रमोट द प्रोडक्ट वो बढ़ जाएगी क्योंकि मेरे को पर क्लिक ज़्यादा पे करना पड़ेगा राइट right. सो so, हम क्या इसको अगर दूसरे एंगल से समझे तो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा जहां पे हमारे पास कंपटीशन कम हो और हमारी जो अर्निंग है वो बेटर होती रहे राइट right. सो so, इस वीडियो के लिए मैंने ऑलरेडी इसका एक रिव्यू बना कर रखा हुआ है मैंने यूट्यूब पे उसको अपलोड कर दिया है सो so, एक ट्रिक आप और भी यूज़ कर सकते हो कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी वी आपके पास लिंक आ जाता है मान लीजिए यहाँ पे इनका जैसे डिफॉल्ट वी लिंक है तो अगर आप इस लिंक को प्रमोट करोगे तो आपका लैंडिंग पेज पे एक वीडियो आएगी आप उस वीडियो को भी डाउनलोड करके यूट्यूब पे दोबारा अपलोड करके उससे अर्निंग कर सकते हो लेकिन मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो सेम वीडियो जो होगी वो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे तो उससे कोई बेनिफिट ज़्यादा होता नहीं है आपको अगर आप जेनवन रिव्यू जनरेट कर देते हो तो लोगों का एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट आपसे परचेज़ करना प्रेफर करेंगे सो अभी मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखा देता हूँ आई थिंक सो so, दोस्तों ये एक डमी वीडियो है सो so, प्लीज़ आप कॉपी uh, करने की कोशिश मत करिएगा तो लेट मी जस्ट सर्च आउट माय टेस्ट चैनल सो आप देख सकते हो कि मैंने यही सेम वीडियो है जो वो यहाँ पे अपलोड करके छोड़ी हुई है इस पर सिक्स मंथ्स पहले मैंने डाल के जस्ट ही छोड़ दिया था टेस्ट करने के लिए तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा सो so, अब ये जो वीडियो है ये इनकी ऑफिशियल वीडियो ही है मैंने कोई सेपरेटली वीडियो क्रिएट नहीं करी हुई है आप चाहो तो यू नो बिडनामी जैसे टूल्स हैं उनको तो ये, नामी नामी तो ये यही मैंने एक्चुअल में किया था मैंने इनके uh, ये जो सपोर्ट पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन थी यही वाली इन्फॉर्मेशन थी मैंने इसको uh, वीडियो में कन्वर्ट कर दिया और बिडनामी के टूल के थ्रू मैंने इसको अच्छे से वीडियो में डाल दिया ताकि लोगों को लगे कि एक जेनरन रिव्यू है राइट right? उनको साइड इफेक्ट्स के बारे में बता दीजिए आप जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना अफिलियट लिंक दिया हुआ है अगर यहाँ पे कोई क्लिक करके अहन करता है बेसिकली बाय करता है तो आई एल बी गेटिंग सम कमीशन सो ये तो एक एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो थी जिसको मैंने इसी ट्यूटोरियल में यूज करना है सो so, हम इसको क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है अब हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है वो होता है कि इसको प्रमोट कैसे करें सो so, हमारे पास दो तरीके हैं या तो हम यू नो थर्ड पार्टी आ, वेंडर्स के थ्रू कर सकते हैं हमारे पास बहुत सारी साइट्स हैं जिन पे आप अपनी यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट कर सकते हो तो हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं जैसा कि हमने शुरू में बात करी थी हम लोग गूगल एड्स के ऊपर जाएंगे और गूगल ऐट्स के थ्रू प्रमोट करेंगे सो so, uh, अगर आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है तो आपको सिंपली uh, ये वाला डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाई देगा सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे बहुत सारे ऑलरेडी कैम्पेंस रन हो रहे थे जो कि मैंने यूज़ किए थे टेस्ट किए थे सो so, आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा आपको सो so, सबसे पहले जो चीज़ हमने समझनी है कि वो है कीवर्ड्स और आपका प्रोडक्ट किस तरह का है मान लीजिए अगर आप हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो और मान लीजिए वेट लॉस के ऊपर काम कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस किस तरह की है और वो टारगेट ऑडियंस किस तरह से आपके आपको आ, अर्निंग दे सकती है सो so, सबसे पहले अगर मान लो आप अपना आ, फिलेट मार्केटिंग का जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और आप क्लिक मैंक के ऊपर यू नो प्रोडक्ट को ही सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो प्रोडक्ट कितने प्राइस का है दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है सो so, जनरली अगर आप किसी अफेलेट उसके ऊपर सेल्स पेज के ऊपर जाते हो तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो किस तरह की ऑडियंस के लिए बना हुआ है और किस तरह की चीज़ें आप यू you नो know, यूज़ करके उसको प्रमोट कर सकते हो सो so, जब भी आप सो so, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं अपने कीवर्ड प्लानर टूल में आ चुका हूँ और अब हमें करना क्या है कि कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो कि हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज़ करेंगे अब अगर इसको समझे तो हमें सबसे पहले क्लिक करना है डिस्कवर न्यू की के ऊपर सो so, यहाँ से आपको डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है और यहाँ पे मेरे को कंट्री को चेंज करना है तो अगर हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं यू में तो यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट कर लेना है सो so, अभी हमें सबसे पहले करना क्या है कि अपने लो कंपटीशन कीवर्ड्स को सर्च आउट करना है जहाँ पे हमारे पास जो बिड लेवल है वो ज़्यादा हाई भी ना हो और ज़्यादा कम भी ना हो राइट तो हमें बैलेंसर रखना है इस चीज़ का क्योंकि अगर उस पर वॉल्यूम बिल्कुल ही कम हुआ और आपकी जो बिड वैल्यू है वो भी कम हुई तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल कम होने के चांसेस हैं लेकिन आप ओवरऑल कॉस्ट सेव कर लोगे लेकिन यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को टारगेट नहीं कर रहे हैं सो so, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है आपके कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपके कीवर्ड्स प्रॉपर नहीं होंगे तो आपको इम्प्रेशन नहीं आएंगे अगर आपके इंप्रेशन नहीं आए तो आपको क्लिक नहीं आएगा अगर आपके क्लिक्स आ रहे हैं और आपकी कन्वर्जन नहीं हो रही है तो एक अलग केस है राइट सो so यूजली अगर आप मान लीजिए ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो अपने कैंपेन की या फिर बहुत सारे अगर आप मान लीजिए बिगिनर नहीं हो आप ऑलरेडी कैम्पेन्स रन कर रहे हो सो so बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं राइट right? सो so, अगर आप माने मान लीजिए आपने ऐड स्टार्ट कर दिए आपने आ, आ, उसकी जो कॉस्ट है वो कम सी जो है वो बहुत कम रखी है तो होगा क्या कि गूगल आपकी ऐड को कहीं शो ही नहीं करेगा राइट right? सो so, आपको सही सी सही कीवर्ड्स और सही क्लिक थ्रू रेट मेंटेन करना है ताकि जो भी एंड यूज़र है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और आपके रिव्यू को पढ़े सो so, अगर आपका रिव्यू अच्छा लिखा गया है अगर आपने अच्छी वीडियो बनाई है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसको ट्रस्ट फैक्टर की तरह सेल आउट किया है तो वो आराम से आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेगा राइट सो so, अब कीवर्ड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स हैं अब हमें करना क्या है कि इन सारे कीवर्ड्स को एक्सपोर्ट कर लेना है और एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे पास होगा क्या कि हम इनमें से जो अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनको बेसिकली सिलेक्ट करेंगे सो so अभी मैं करूँगा क्या कि इन कीवर्ड्स को डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सी एस पी में डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप गूगल शीट्स में भी इसको पुश कर सकते हो तो मैं क्या करूँगा कि इसको कीवर्ड्स को गूगल शीट्स में एक्सपोर्ट कर लूँगा तो मैं यहाँ पे अपनी ड्राइव में उठा रहा हूँ तो ये अभी रिपोर्ट प्रिपेयर करने में टाइम लगाएगा सो so ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है दोस्तों अगर आप सही कीवर्ड नहीं सिलेक्ट करते तो बहुत ही दिक्कत आने वाली है आपको अगर आप फर्स्ट टाइम इस इस तरह के एड्स को रन कर रहे हो तो हमें ओपन करना है शीट को अब कीवर्ड्स देखते हैं जो भी, आ, हमारे पास यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट कर लेता हूँ ओके okay. तो अभी हम लोग इसको अच्छे से देख पा रहे हैं सो so, यहाँ से अब हमारे पास अच्छी खासी लिस्ट आ चुकी है कीवर्ड्स की आप देखो तो हमारे पास कम से कम तो चार पाँच सौ से ज़्यादा ही कीवर्ड्स होंगे आई थिंक तो अभी हमें करना क्या है कि इनमें से सॉर्ट आउट करना है जो कीवर्ड्स बिल्कुल हमारे काम के हैं और अगर मान लीजिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आई uh, मीन I mean, कीवर्ड्स हैं जिनको ज, जो जो डायरेक्टली uh, कन्वर्टिंग नहीं है या फिर डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं है आप उनको रख सकते हो बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे ना सिलेक्ट करें आप उन्हीं की वर्ड्स को सिलेक्ट करें जो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो लूज टू पाउंड वीक लोग सर्च कर रहे हैं कीटो से रिलेटेड हमारे पास यू नो सर्चेज़ आ रही हैं लेकिन हमारा प्रोडक्ट कीटो से रिलेटेड नहीं है तो हम इस, इन इस तरह के की वर्ड्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे उससे होगा क्या है कि आपको क्लिक्स ज़रूर मिल जाएंगे इंप्रेशन जरूर मिल जाएंगे पर आपके पैसे ही वेस्ट होंगे क्योंकि जो कीटो डाइट के बारे में सर्च कर रहा है वो कीटो प्रोडक्ट के ऊपर ही इंटरेस्टेड है और आपको मेक मिक्स्योर sure करना है कि आप फ्लैट बेली और यू नो वेट जल्दी लूज़ करने वाली चीज़ों के ऊपर ध्यान दो तो आपको इस तरह के की वर्ड सेलेक्ट करने हैं जैसे हाउ टू रिड्यूस बेली फैट अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी बेली फैट के ऊपर काम करता है तो ये कीवर्ड हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बेड की बात करें तो हमारे पास बेड बहुत ही uh, अगर लोअर वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास सिक्सटी टू रुपीज़ हमें मिनिमम पे करने पड़ेंगे और मैक्सिमम ये आठ सौ रुपये तक तो जा सकता है सर so, दोस्तों अगर आप टीयर वन कंट्रीज़ में अपना एड्स रन कर रहे हो या किसी भी तरह की प्रमोशन कर रहे हो तो ये जाहिर सी बात है कि बहुत ही ज़्यादा वो एक्सपेंसिव होने वाली है क्योंकि अगर हम लोग टीयर थ्री कंट्रीज़ की टीयर टू कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको जो एड है वो सस्ती मिल जाती है लेकिन आपकी जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत ही कम होती है सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट कर रहे हो आप दो तीन हज़ार का बजट लेके प्रोडक्ट को टेस्ट भी नहीं कर सकते ये मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप मिनिमम प्रोडक्ट की भी अगर वैल्यू लेके चलो तो पाँच से दस हज़ार रुपये लगाने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि प्रोडक्ट वो कन्वर्ट होने और, मतलब वाला है कि नहीं है या फिर आपको किस तरह के चेंजेस करने हैं सो so अगर आप मान लीजिए दो लगा के प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते हो और आपको दस बारह क्लिक्स मिल जाते हैं और अगर आपकी क्लिक की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने और उसको एक डेढ़ हफ्ता चलाने के लिए भी आपको अच्छा खासा बजट चाहिए होगा तो अगर आप पर क्लिक की बात करते हो तो अगर आपको सात सौ रुपये में एक क्लिक मिल रहा है मान लीजिए तो आपके हज़ार दो हज़ार तो एक ही दिन में उड़ जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको ना ही कोई अर्निंग होगी और ना ही आप उससे कुछ सीख पाओगे सो so, यहाँ पे आपको बैलेंस मेंटेन करना है राइट सो so, अगर आप चाहो तो वेट लॉस के अलावा आप ग्रॉसरी मेथड यूज़ करके और ऐसे की वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो जिनके ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं उनका वॉल्यूम कम है और उससे होगा क्या क्या आपके पास मे बी इंप्रेशन कम आएंगे क्लिक कम आएंगे लेकिन आपकी जो अगर टारगेट ऑडियंस अच्छी है अगर मान लीजिए आपने रिव्यू है बहुत ही यू नो एकदम नीच डाउन करके बनाया हुआ है बहुत ही, ही फोकस्ड है तो आपके पास कन्वर्जन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उससे आपकी अर्निंग होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे सो so, ये वीडियो जो है वो एकदम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है तो मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा ज़्यादा शॉर्ट आउट नहीं करूँगा लेकिन आप आपको ये स्टार्ट करने से पहले करना है तो यहाँ पे मैं टेस्टिंग के लिए मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे टॉप टेन या मान लीजिए टॉप टॉप ट्वेंटी जो कीवर्ड्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनको बेसिकली मैं कॉपी कर लूँगा राइट सो so अब हमें करना क्या है कि हम अपने गूगल एड्स के अकाउंट में वापस जाएंगे यहाँ से गूगल uh, कीवर्ड प्लानर से बाहर जाएंगे और हमें करना क्या है कि यहाँ पर न्यू कैंपेन स्टार्ट करना है अब अगर आप मान लीजिए अपनी यूट्यूब वीडियो बना चुके हो या फिर आप यू you नो know आ, अपने वेबसाइट के ऊपर रिव्यू लिख लिया है तो आपको आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ट्रैफिक किस तरह से सेलेक्ट करनी है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक कर दूंगा सो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम ले रहा है मैं इनको पहले क्लोज कर देता हूँ तो so, आप देख रहे हो कि मेरे पास डैशबोर्ड खुल चुका है और यहाँ पे हमारे पास क्रिएट कैंपेन करने के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं सो so, अगर आप ब्रांड अवेयरनेस और रीच की बात कर रहे हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो डिस्प्ले टाइप वीडियो होती है यहाँ पर आप अगर अपने ब्लॉग के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेजना चाहते हो तो uh, वो भी कर सकते हो लेकिन बेस्ट मेथड यही होता है कि आप अपना कस्टम कैंपेन क्रिएट करो उसमें आपके पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस सो so, यहाँ पे आपके पास अगर आप देखो तो हमारे पास सर्च है हमारे पास डिस्प्ले एड्स हैं ये बेसिकली शॉर्ट ब्लॉक्स में आपके पास एड्स आती हैं आप शॉपिंग से रिलेटेड बनाना चाहते हो तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने जो मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए बनाया हुआ है वो ऑलरेडी एक वीडियो है अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप ब्लॉग भी बना सकते हो या ब्लॉग ट्रैफिक के ऊपर भी काम कर सकते हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो से सो so, यहाँ पे मैं कस्टम वीडियो कैंपेन सेलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा सो अभी आप देख सकते हो सो so, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो आ, करना है वो कैंपेन का नाम रखना है तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए नाम डाल रहा हूँ ओकिनावा ब्लैक बली सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप डिफ्रेंश uh, कर सको अगर आपके पास मल्टीपल यू नो कैम्पेंस रन हो रहे हैं तो बिट स्ट्रेटजी जो है वो मैक्सिमम सी पी वी ए कॉस्ट पर व्यू पे सिलेक्टेड uh, है तो मैं इसको छोड़ दूंगा क्योंकि ये हम लोग बाद में कस्टमाइज़ करेंगे सो so, सो so, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने अब ये डेली बजट जो है वो थाउजेंड रुपीज़ सेट कर दिया हुआ है और अभी मुझे जो करना है वो अपनी लोकेशन uh, को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी एंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स या फिर आप कोई भी टीयर वन कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अब इसके बाद हमें करना क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज ही रहने देनी है और स्टैंडर्ड इन्वेंटरी पर रहने देना है इसको ठीक है अब जो नेक्स्ट चीज़ करनी है हमने लाइव uh, स्ट्रीमिंग और एम्बेडेड वीडियोज़ में से ये ऐड हटा देनी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे अगर किसी ने मान लीजिए अपनी वेबसाइट के ऊपर ये ऐड लगाई है और वो कोई रैंडम वेबसाइट है अगर मेरे नीच से रिलेटेड नहीं है उस पर भी मेरी ऐड दिखे उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा और इस पर आप एड ग्रुप नेम कस्टम बना सकते हो अगर आपको बनाना है आप जेंडर जो है डेमोग्राफिक्स हैं यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सो तो आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे ये सारी की सारी चीज़ें कि आप किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेली फैट रिड्यूस करने के लिए है तो यूजुअली जो 18 प्लस ऑडियंस है वो हमारे लिए राइट right ऑडियंस है और अगर हम लोग देखें यहाँ पे 55 प्लस की ऑडियंस की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं इसको रिमूव कर सकते हैं आप चाहो तो यहाँ पे और कस्टमाइजेशन कर सकते हो सो so यूजली जो अगर हम लोग प्लेयर वन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर ओबेसिटी एक बहुत ही बड़ा इशू है और जो कि टीन में ज़्यादा है तो ये बेली uh, फैट के लिए आई थिंक बेटर हमारी ऑडियंस होगी सो ये ऑडियंस आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनानी है ये नहीं है कि अगर मैं इस तरह के ऑडियंस को प्रमोट कर रहा हूँ तो आप इसी को फॉलो अप करके ऐसा ही वीडियो बनाओगे या फिर ऐसा ही कॉपी कर लोगे इससे आपको कभी बेनिफिट नहीं मिलेगा ठीक है सो so, आपको हमेशा अपनी टारगेट ऑडियंस जो है वो अपनी कंट्री और अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करनी है अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज़ करनी है वो है ऑडियंस सो so, हमारे पास ऑडियंस सेलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि अगर आप चाहो तो इंडस्ट्री वाइज ऑडियंस को भी अपनी आ, वो दिखा सकते हो एड्स दिखा सकते हो अब जैसे हेल्थ और फिटनेस की है तो इससे होगा क्या कि अगर आप ये यह, यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लोगे तो ये हेल्थ और फिटनेस वाले जो चैनल्स हैं उन पर आपकी एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो रन होनी शुरू हो जाएंगी लेकिन आ, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा अभी आपके लिए क्योंकि इससे आपका एक लॉस है कि वो ये है कि अगर आप मान लीजिए ऐसे हेल्थ एंड फिटनेस के बहुत हाई प्रोफाइल चैनल्स के ऊपर आपकी रन होती है तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है पर क्लिक की या पर व्यू की वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी और उससे आपका जो बजट है वो जल्दी यू नो बर्न आउट हो जाएगा और आप जल्दी रीच आउट नहीं कर पाओगे सो बेटर यही है कि आप अपने सिलेक्टेड कीवर्ड्स के ऊपर ही आ, यहाँ पे काम करो तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो कीवर्ड्स का सेक्शन है यहाँ पे आपको अपने वेट लॉस से रिलेटेड रिलेटेड जो हमने कीवर्ड्स शॉर्टलिस्ट किए थे वो वाले कीवर्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं मैं यहाँ पे डमी ही डाल रहा हूँ अगर आप मान लीजिए किसी वेबसाइट को फॉलो कर रहे हो और जैसे कि हेल्थलाइन है या फिर आपके पास कोई पर्टिकुलर आर्टिकल है तो यहाँ पे आप वो वेबसाइट भी शेयर कर सकते हो आप उस वेबसाइट का जो आर्टिकल का लिंक है अगर यहाँ पे डाल दोगे तो ये वहाँ से अच्छे खासे कीवर्ड आइडियाज़ जो है वो फेज कर लेगा या फिर आप यहाँ पे मेन नीच डाउन उसके ऊपर जाके सर्च आउट कर सकते हो कि अगर आप अपने नीच के अकॉर्डिंग की को सर्च आउट कर लो तो इससे आप यहाँ से सीधा कॉपी करके यहाँ पे पेश कर सकते हैं लेकिन हमने ऑलरेडी की वर्ड प्लानर टूल यूज़ करके कीवर्ड सॉर्ट आउट कर लिए हैं तो यहाँ पे हमें वो कुछ करने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे हम लोग एक नेक्स्ट चीज नेक्स्ट चीज़ देखते हैं टॉपिक्स अब इससे होगा क्या कि रेलिवेंट जो आपके टॉपिक्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स उनके ऊपर ये आपको एड दिखानी शुरू कर देगा दूसरी चीज़ है प्लेसमेंट कि आपको अपनी ऐड कहाँ पे दिखानी है सो so, जो गूगल एड्स है वो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कस्टमाइजेशन के लेवल्स देता है आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यूट्यूब चैनल्स का ऑप्शन है यूट्यूब वीडियोस का ऑप्शन है वीडियो लाइनअप्स का है वेबसाइट एप्स एट्सट्रा बहुत सारा पार्टनर नेटवर्क का एक सर्कल है अब इसका बेनिफिट क्या है कि मान लीजिए आप हेल्थ uh, लाइन का ही यूट्यूब चैनल है या फिर हेल्थ लाइन की ही वेबसाइट के ऊपर आप अपनी ऐड रन करवाना चाहते हो उससे होगा क्या कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो ऑलरेडी इस तरह के नेच में काम कर रही है तो अगर मान लीजिए मैं मेक मनी ऑनलाइन में आ, काम करता हूँ या फिर मैं हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को करना क्या है कि टॉप के जो यूट्यूब चैनल्स हैं हेल्थ से रिलेटेड उनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करना है अब मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो करके दिखा देता हूँ अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं फ़िटनेस से रिलेटेड सर्च करता हूँ तो आपको यहाँ पे देख के पता लग जाएगा कि इतने खासे इनके सब्सक्राइबर्स हैं इतने बहुत सारे व्यूज़ हैं मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं तो जो भी ऐसे हाई एंड वाले जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर ऐसे ब्रांड्स हैं आप उनको फॉलो करके उनके चैनल्स के ऊपर आप अपनी वीडियोज़ को रन करवा सकते हो आपको सिंपली उनका चैनल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर यूट्यूब चैनल का लिंक डाल देना है और उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो ऑडियंस है वो ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें देख रही होगी तो आपकी जो ऑडियंस की टारगेटिंग है वो बहुत ही नीच डाउन हो जाएगी और आपके पास ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट आएंगे सो so, अब जो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ बिडिंग कि आप अपनी बिड कितनी रखते हो सबसे पहला सवाल यही आ जाता है सबके दिमाग में कि जब आप कैंपेन रन कर रहे हो तो कितनी कॉस्ट रखूँ जिससे कि मुझे रिज़ल्ट मिल जाए यूजली जो मैं मेथड ट्राई करता हूँ कि वो ये होता है कि अगर आप पहले स्टार्टिंग से अगर मान लीजिए टीयर वन कंट्रीज़ में जा रहे हो तो आपको बिड जो वैल्यू है वो बहुत हाई रखनी पड़ती है स्टार्टिंग में आपका मिनिमम एक डॉलर दो डॉलर तीन डॉलर तक भी जा सकता है व्यू डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से निश में काम करते हो तो अगर आप हेल्थ और फिटनेस की बात करते हो या फिर आप मेक मनी ऑनलाइन की बात करते हो तो आपके पास अच्छा खासा ऑलरेडी ये बहुत ही कॉम्पिटेटिव नेच है और इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसा कि हमने पहले देखा भी था कि ओ का अगर हमें रिटर्न भी देखें तो हमें अच्छा खासा मिल रहा है राइट तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है कि अपनी बिट स्टार्ट करनी है अगर हम लोग व्यूज़ के ऊपर जा रहे हैं तो मैं अपनी बिट स्टार्ट करता हूँ ट्वेंटी सेंट से मिनिमम या यूजली आप आ, समझ लीजिए फोर्टी फोर्टी रुपीज़ कर लेते हैं यहाँ पे ठीक है अब ये वैसे तो बहुत ज़्यादा है आप चाहो तो दस रुपए से स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप यू नो उससे स्टार्ट कर सकते हो इससे फ़ायदा ये है कि आपकी जो इम्प्रेशन है वो आपको जल्दी मिल जाएंगे अदरवाइज़ नहीं तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए आपने बेड वैल्यू बहुत ही कम रखी हुई है तो आपकी ऐड किसी को दिखेगी नहीं और आप बहुत टाइम वेस्ट कर दो तो कि अपना डेटा को सिलेक्शन करवाने में आप सही यू नो स्टार्ट ढूंढने में तो बेटर मेथड यही है कि आप मिनिमम दस बीस रुपए से स्टार्ट कर लीजिए ताकि आपको टी एयर वन में थोड़े आपको व्यूज़ मिल जाएं और आप अच्छे से कर पाएं और जैसे कि अगर आपको दिख रहा है कि एवरेज इतनी कॉस्ट आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कभी भी बिड कर सकते हो यूजली गूगल करता क्या है कि आपके जो कैंपेंस को ऑटोमेटिकली वो uh, करते रहता है ऑप्टेमाइज करता रहता है कि मान लीजिए अगर आपने अगर हंड्रेड की भी बिड डाली हुई है और आपको अगर क्लिक लोअर में मिल रहा है तो वो आपको लोअर में दे देगा सो so, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो आपको ओवरचार्ज करने की कोशिश करेगा तो कुछ सर्टन चीज़ें होती हैं जहाँ पे गूगल ऐसा ड्रेन आउट करता है आपके बजट को जहाँ पे आप यू नो मैक्सिमाइज कन्वर्जनस के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हो सो so, बेटर तरीका यही रहता है कि आप हर चीज़ को कस्टमाइज करो अपने ढंग से अपने कंट्रोल के अंदर करो ताकि आप ठीक से अर्न कर पाओ और आपका बजट जो है वो ओवर स्पेंड ना हो सो so, अब जो नेक्स्ट बिट uh, का जो एडजस्टमेंट है वो आप अपने हिसाब से सेटलमेंट कर सकते हो आप धीरे धीरे डेटा देखिए आप डेटा देख के उसके हिसाब से अपनी बिट कम जो ज़्यादा कर सकते हो अब जो ऐड क्रिएट करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो है हमारी यूट्यूब वीडियो सो so, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि जो मैंने रिव्यू बनाया हुआ है वो मैं यहाँ से सीधा कॉपी कर लूँगा और इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि वीडियो को यहाँ पे पेश कर दूँगा तो आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे प्रीव्यू जनरेट हो रहा है कि हमारी ये ऐड कैसे दिखाई देगी सो so आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं एक है स्केपेबल uh, एड्स और दूसरी है वीडियो डिस्कवरी एड्स सो आप दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हो लेकिन स्केपेबल में फ़ायदा ये रहता है कि आपकी ऐड एटलीस्ट दिखेगी ज़रूर ये वीडियो डिस्कवरी है जो सर्टन कीवर्ड्स के ऊपर जाएगी सो so, uh, ये दोनों कैंपेन आप अलग अलग बना सकते हो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी डिस्कवरी ऐड ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है या फिर आपकी स्केपेबल ऐड बेटर परफॉर्म कर रही है तो आपके पास यहाँ पे देखो गूगल वीडियो पार्टनर्स जो हैं वो आप वहाँ पे आप दिखाना चाहते हो कि नहीं दिखाना चाहते हो ये आपके ऊपर है आप यूट्यूब चैनल के ऊपर ही दिखाना चाहते हो आप यहाँ पे अलग अलग स्क्रीन्स के ऊपर देख सकते हो कि आपकी ये ऐड कैसी दिखाई देगी सो अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो ये हमें डेमो दिखा देगा कि हमारा ऐड किस तरह से विजिबल होगा लोगों को तो आप अभी देख सकते हो कि ये ऐड लोड कर रहा है हमारी ओके okay, सो so ये थोड़ा सा स्लो होता है कि जब आपको प्रिव्यू जनरेट करता है क्योंकि ये ऐड किसी को अभी तक विजिबल नहीं है तो सो so जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे पास ये डेमो ऐड की विजिबिलिटी आ चुकी है और अभी आप चाहो तो अपनी ऐड को देख सकते हो आपको डेमो का आइडिया लग गया कि किस तरह से दिखाई देगी मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी ओके okay. सो so अब जो चीज़ करनी है मैंने यहाँ पे स्केपेबल इन स्ट्रीम एड्स को सिलेक्ट कर लिया हुआ है अब यहाँ पे जो आपका फाइनल यूआरएल है यहाँ पे अब आप, आपका जो लैंडिंग पेज हमने पिछले सेक्शन में क्रिएट किया था वो यहाँ पर आप डाल सकते हो अगर आप अपना ऑप्टन पेज यहाँ पे डालना चाहते हो सो so उसका फ़ायदा ये है कि जब भी आपका जो ये वीडियो कोई देखेगा अगर उस पर क्लिक करता है तो वो उस लैंडिंग पेज पे कन्वर्ट हो जाएगा और उस लैंडिंग पेज पे अगर आपके पास रिसोर्सेज अच्छे से डले हुए हैं इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे से डाली है तो वो आपको अपना ई दे जाएगा फिर आप उसको ई मार्केटिंग के थ्रू फॉलोअप लेके आप उनको अपना अफिलेट लिंक भी दे सकते हो या फिर जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर आप सिंपल डायरेक्टली रिडायरेक्ट करना चाहते हो यूज़र को ईमेल डालते ही तो आप वो भी कर सकते हो तो आपके पास दोनों तरह के लैंडिंग पेजेस का ऑप्शन कन्वर्ट किट में अवेलेबल होता है सो सर यहाँ पर बट मैं ये नहीं डालूंगा मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दूंगा सो so, uh, अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ सो so, ये आपके लिए तब भी बेनिफिशियल है कि अगर मान लीजिए आप कोई अपनी यू नो यूट्यूब वीडियो को ही प्रमोट करना चाहते हो या फिर आप अपने चैनल को ही प्रमोट करना चाहते हो अपनी जेन्यून वीडियोस को प्रमोट करना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना है और डिस्प्ले यू में ये आपको वही यू वापस दिखा देगा फिर आप ऑर्डर ना हो बाय ना हो इस तरह का कुछ भी आप सिलेक्ट यहाँ पे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो आप लर्न मोड पर भी क्लिक कर सकते हो ताकि कॉल टू एक्शन पर ये दिख जाए और हेडलाइन में ये आएगा कि बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट ओके यहाँ पे हमारे पास है नहीं ऐसा कुछ यहाँ पे मैं इसको और कस्टमाइज़ कर देता हूँ फैट तो यहाँ पे आपके पास आप रिव्यू में अगर देखो आपके पास प्रिव्यू में अगर अच्छे से दिख दिख जाता है आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेली फैट यहाँ पे विजिबल है और यहाँ पे हमारा कॉल डिरेक्शन आ चुका है तो यहाँ पे अगर कोई ऐड को पूरी तरह देखता है तो वो आपके चैनल के ऊपर आ जाएगा या फिर आपके जो लैंडिंग पेज पे, पे रीडायरेक्ट हो जाएगा ऐड नहीं है आप कुछ भी डाल सकते हो तो ये यह यहाँ पे मैं ओकी टेस्ट डालता हूँ और क्रिएट कैंपेन पे आपको सिंपली क्लिक कर है। ओके तो ये कैंपेन ने यहाँ मैं टेस्ट डाल देता और सिंपली आपको क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना है सो आप देख सकते हो कि हमारा कैंपेन जो है वो रेडी हो चुका है आपको सिंपली कंटिन्यू टू कैंपेन जाना है अगर आप चाहो तो यहाँ पे और भी चेंजेस कर सकते हो लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है सो so, अभी अगर इस ऐड को हम देखें तो अभी ये अंडर रिव्यू है गूगल की टीम जो है वो इसको रिव्यू करेगी और अगर इसमें कुछ ऑब्जा ऐसा चीज़ हुआ कि जिसको वो अलाउ नहीं करते हैं तो आपको बेसिकली उस तरह से चेंजेस करने पड़ेंगे सो so, अगर हम लोग यहाँ पे ओकिनावा टेस्ट पे क्लिक करके ओवरव्यू चेक करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये अंडर रिव्यू है सो so, एक दो दिन बता रहा है यूजली ये दो तीन घंटे में अप्रूव हो जाता है अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है सो so, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपकी जो कन्वर्जन है या फिर आप कुछ ऐसा ट्रैक कर रहे हो तो आप अपना कन्वर्जन का जो सेटअप है वो अच्छे से करें ताकि आप अपनी पूरी की पूरी क्लिक्स को ट्रैक कर सकें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप प्रमोट नहीं कर सकते गूगल ऐट्स के थ्रू और बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनको गूगल अलाउ नहीं करता फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई वीडियो कोविड से रिलेटेड uh, बनाते हो तो वो आप वीडियो कभी भी गूगल एड्स में प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि गूगल नहीं चाहता कि कुछ ऐसे अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो एंड यूज़र के पास जाए थ्रू uh, एड्स उससे उनके ब्रांड की इमेज ख़राब होती है दूसरी चीज़ ये है कि uh, जब भी आप गूगल की गाइडलाइंस uh, को फॉलो करते हो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि uh, आप किस तरह का लैंडिंग पेज बनाते हो सो so, आपको पहले तो एक चीज़ में ध्यान रखना है कि आपका जो लैंडिंग पेज है उसमें आपके पास इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए वो एकदम लेजिट लगना चाहिए नहीं तो आपका जो गूगल एड्स अकाउंट है वो बैन हो सकता है सो so, सबसे पहले बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आ, हमें लैंडिंग पेज क्रिएट करना चाहिए या फिर हमें ब्लॉग रिव्यू लिखना चाहिए सो so, मैं यही रेकमेंड करूंगा कि हमेशा ब्लॉग रिव्यू वाला मेथड ही ट्राई करना चाहिए क्योंकि उससे फायदा ये होता है कि अगर आप मान लीजिए अपना ब्लॉग या वेबसाइट होस्ट करते हो <laughs> तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा और ट्रैफिक अगर मान लीजिए आपने गूगल एडसेंस से अप्रूवल लिया हुआ है तो आपको अच्छे खासे क्लिक्स भी मिल सकते हैं और अर्निंग भी हो जाएगी वहाँ से सो so, ये एक अल्टरनेटिव मेथड भी हो सकता है और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप गूगल एड्स के थ्रू जाते हो तो आपका अगर लैंडिंग पेज पे मान लीजिए इन्फॉर्मेशन कम है तो गूगल को यही लगता है कि आपका जो अकाउंट है वो लेजिट नहीं है आप किसी को स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके अकाउंट के बैन होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो बेस्ट तरीका यही रहता है कि आप अपना प्रॉपर ब्लॉग रिव्यू बनाएं तो मैं आपको एक रिव्यू दिखा देता हूं जो मैंने अपनी साइट के लिए क्रिएट किया हुआ है सो so, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने विडली यूट्यूब रैंकर का एक रिव्यू uh, बना के रखा हुआ है और ये वेबसाइट uh, जो है वो ऑलरेडी एड्स से अप्रूव्ड है तो यहाँ पे एड्स भी आती हैं सब कुछ आता है तो आप देख सकते हो कि मैंने प्रॉपर रिव्यू बनाया हुआ है इसमें लोगों को बोनस दिया हुआ है और अच्छा खासा हज़ार वर्ड का ये कीवर्ड फील्ड uh, अच्छा खासा आर्टिकल बनाया है और अब जो भी यहाँ पर मेरे यूट्यूब वीडियो को भी देखता है या फिर uh, मेरे आर्टिकल को पढ़ता है उसके पास पूरा का पूरा डेमो और अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ये प्रोडक्ट क्या करता है अब अगर यहाँ पे कोई चेक लेटेस्ट प्राइस चेक करके इसको बाय कर लेता है तो मेरे को सिंपली कमीशन मिल जाएगी ठीक है सो so, यही आपका जो एक आ, अप्रोच होना चाहिए कि आप जब ओवरऑल अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हो तो आप ऑडियंस कैसे टारगेट करते हो और आप अपना रिव्यू कैसे बनाते हो सो बेस्ट मेथड यही रहता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करो आप एक अच्छा सा रिव्यू बनाओ और उस रिव्यू के ऊपर आप अपनी ट्रैफिक को सेंड करो अगर आप वेबसाइट के ऊपर काम नहीं करना चाहते आप अगर आपके पास डोमेन या होस्टिंग नहीं है तो आप यूट्यूब के अप्रोच के ऊपर भी जा सकते हो आपको बस अपना नॉर्मल माइक लेके रिकॉर्डिंग करनी है और ऐसे ही स्क्रीन रिकॉर्ड करके एक्सप्लेन करना है कि प्रोडक्ट का फीचर क्या है और किस तरह से ये बेटर काम करता है सो so, अब दूसरी बात आ जाती है कि क्या आपको पेड एड्स रन करने चाहिए या नहीं सो so, अगर आप बिगेनर हो आप लर्न कर रहे हो तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने दो हज़ार रुपये तीन हज़ार रुपये दस हज़ार रुपये लगा दिए तो आपको सेल आएगी ही आएगी सो so, पहला जो आपको मेथड ट्राई करना चाहिए वो है ऑर्गेनिक अगर आपके पास ऑर्गेनिक से आ, अर्निंग हो रही है देन आप पेड ऐड की तरफ उसको स्केल करो उससे ही आपको जो अंडरस्टैंडिंग uh, हो जाएगी आपकी ऑडियंस किस तरह से यू नो रिएक्ट करती है कौन कौन सी चीज़ों को देखती है किस पे क्लिक करती है तो ये ऑर्गेनिक से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और उस हिसाब से आप अपना आर्टिकल या रिव्यू बना सकते हो उसके बाद अगर आप चाहो तो उसको स्केल अप कर uh, कर सकते हो उस पर ट्राफिक सेंड कर सकते हो अच्छी खासी आपकी जो स्केलिंग हो जाएगी और अर्निंग भी डबल हो जाएगी आराम से और दूसरी बात ये है कि अगर आप मान लीजिए बिगिनर हो आपको uh, बिल्कुल भी गूगल एड्स नहीं आते हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप पहले छोटे बजट के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें और उसको लर्न करें कि किस तरह से सिस्टम काम करता है क्योंकि अगर आप सिस्टम को नहीं समझोगे तो आप अपने पैसे गवा दोगे और आपका नुकसान ही होगा क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन जो है वो टाइम लेती है अब बात आती है कि गूगल ऐट्स को हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करें सो so जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास कैंपेन बन चुका है सारा कुछ रेडी हो चुका है अब गूगल करेगा क्या कि इसको रिव्यू करेगा और अगर ये ठीक ठाक हुआ तो उसको अलाउ कर देगा और मेरे पास इंप्रेशन आ जाएंगे सो so यूजली जब आप कैंपेन रन करते हो आपके पास बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान देना होता है फर्स्ट चीज़ ये है कि आपके पास पहली प्रॉब्लम जो जेनेरिक आएगी वो है इंप्रेशन नहीं आना सो so इसके दो रीजंस हो सकते हैं अगर आप मान लीजिए वीडियो रन कर रहे हो तो आपने जो बिड करी है पर व्यू की वो कम है या फिर अगर आपने मान लीजिए ब्लॉग पे ट्रैफिक भेजा है अपने रिव्यू के ऊपर ट्रैफिक भेजा है तो आपकी जो सी पी कॉस्ट है वो बहुत कम है उस केस में आपके पास इंप्रेशन नहीं आ रहे दूसरा मेथड ये हो सक दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो ज़्यादा सूटेबल नहीं हैं आपने बहुत ही नीच डाउन कर दिया है या फिर आपने ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट करें जिनको कोई सर्च आउट नहीं कर रहा है तो बेटर तरीका यही होता है आप लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करो आप ग्लॉसरी मेथड यूज़ करो आप जैसे भी पॉसिबल हो सकता है अपनी कीवर्ड की लेंथ बढ़ाओ जितने ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास बेटर इंप्रेशन आएंगे और जितना आपके पास इंप्रेशन ज़्यादा आएंगे आप, आपके पास क्लिक्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जाएगी और उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आप आराम से क्लिक्स ले आ, अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हो तो अगर एडसेंस से भी आपकी अर्निंग होनी है तो वहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा ही रहेगी अब दूसरी चीज़ है कि आपके पास क्लिक्स आ रहे हैं लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रही तो क्लिक्स आने का सिंपल सा यही मेथड होता है कि आपने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली है आपके क्लिक्स आ रहे हैं लेकिन आपका लैंडिंग पेज जो है वो कन्वर्ट नहीं कर रहा है सिंपल सी बात है तो उस केस में आपको अपना जो भी आपने रिव्यू बनाया है या फिर आपने अगर वीडियो के ऊपर रिव्यू बनाया है तो आपको उसको दोबारा से एनालिसिस करना है और आपको देखना है कि कौन से टाइम पे आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी वीडियो को छोड़ के जा रही है या फिर आपके पेज को छोड़ के जा रही है कितना रीड कर रही है तो आपको ये डेटा एनालिटिक्स में से अच्छे से ट्रैक करना है आपको अच्छे से ट्रैकिंग करनी है और ये समझना है कि ऑडियंस किस तरह की चीज़ों को पसंद कर रही है और किस तरह की चीज़ों से वो भाग रही है राइट right. सो so, तीसरी चीज़ यह है कि ये इस वजह से भी हो सकता है कि आपने जब ऑडिनेंस सिलेक्ट करी है या फिर आपने कीवर्ड सिलेक्ट करी हैं वो है तो वेट लॉस के रिलेटेड ही लेकिन वो स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट नहीं है जैसे कि हमने एग्जांपल में पिछली बार इससे पहले सर्च किया था कि हमने वेट लॉस तो सर्च किया लेकिन कीटो डाइट के हमारे पास बहुत सारे थे लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट कीटो डाइट के साथ आसपास भी नहीं आता है तो उसके कीवर्ड्स रखने का कोई फ़ायदा नहीं है दो वो वेट लॉस से रिलेटेड ही हैं लेकिन फिर भी वो हमारा काम पूरा नहीं कर रहे हैं तो बेटर मेथड यही है कि आप एग्जैक्ट जितना नीच डाउन करके प्रिसाइज़ कीवर्ड्स को सिलेक्ट करोगे उसमें आपका बेनिफिट है उसमें आपको ट्रबल शूटिंग कम करनी पड़ेगी और आपके पास बेटर रिज़ल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं अब दूसरी बात आ जाती है कि हमें बजट कितना लगाना है कि बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कितनी कॉस्ट रखूं मैं कितनी देर चलाऊं अगर मेरे पास दो हज़ार हैं मेरे पास दस हज़ार हैं मैं कितना लगाऊं कितना नहीं लगाऊं सो so, दोस्तों इसका कोई भी आपके पास फ़िक्स पैरामीटर नहीं है क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कई प्रोडक्ट हैं जो आपके बहुत कम क्लिक्स में भी सेल आउट हो जाते हैं क्योंकि आपका कॉन्टेंट अच्छा है या फिर उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा अच्छी है तो ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है यूजली एक प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए आपको तीन से चार दिन ऐड को रन करना है ताकि गूगल भी समझ सके कि किस तरह की ऑडियंस के पास ये जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो रहा है और किस तरह के आपके पास रिजल्ट आ सकते हैं सो so, जब आप स्टार्ट करते हो तो आप ट्वेंटी डॉलर टेन डॉलर का मिनिमम बजट लेके चलिए और उसको कम से कम नहीं तो हंड्रेड डॉलर तक तीन चार दिन तक चलाइए आपके पास कुछ डेटा आना चाहिए ताकि आप उस एड को ऑप्टिमाइज़ कर सको लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास कन्वर्जन uh, नहीं हो रही है दैट मीन्स वो प्रोडक्ट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है देन उस केस में आपको वो प्रोडक्ट को छोड़ना है दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर आपको रिव्यू बना के उसको प्रमोट करना है सो so दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी कन्वर्टिंग प्रोडक्ट होता है अगर मैं आपको 10 प्रोडक्ट बता भी दूं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो रन करेंगे और आपके पास कन्वर्जन आ ही जाएगी आपको एक एस्टिमेशन मिल जाता है कि हाँ इस तरह के प्रोडक्ट चल रहे हैं लेकिन ये कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास कन्वर्जन आएगी ही आएगी सो so अगर आप गूगल एड्स या फिर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एड बिंग एड्स या कोई भी एड प्लेटफॉर्म ऐसा यूज़ करते हो तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपका जो जितना भी बैलेंस है जितना भी आपके पास अमाउंट है वो कभी भी एकदम वेस्ट में जा सकता है आप लॉस में जा सकते हो तो आपको ये तभी करना चाहिए जब आपके पास अच्छा खासा बजट है और आप लॉस को पेयर कर सकते हो बट इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप मान लीजिए अच्छे से लर्न कर जाते हो और आपका आपके पास एक भी विनिंग प्रोडक्ट आ जाता है तो आप इतनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो जो कि आप मतलब मान लीजिए एक साल में या छः महीने में नहीं कर सकते जो कि आप एक दिन में या दो दिन में तीन दिन में कर लोगे सो so, यही एक जो एक प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ऐसा आता है लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप इंस्टाग्राम से स्टार्ट करिए आप पंटरेस्ट से स्टार्ट करिए या फिर आप यू नो ब्लॉग बना के रिव्यू बना के किस तरह से स्टार्ट करिए सो अगर आप इस तरह की और चीज़ें जानना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो मैं आपको फ्री ऑर्गेनिक मेथड से अर्निंग करना भी दिखा दूंगा तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही channel